देंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया। आपको ध्यान है, हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन के लिए एक एल्गोरिथम पढ़ी थी KNN, उसके बारे में बात करेंगे। एंड रादर देन KNN से बाद में एक और चीज हमने किया था, क्लस्टरिंग को परफॉर्म किया था, तो के मींस वाज देयर, राइट? सो आई थिंक वी शुड हैंडल द के मींस फर्स्ट, ठीक? सो मैं एक बार पूरा ही रिवाइज आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, और फिर कुछ कुछ और चीजें हैं जिनको हम लोग आज बात करेंगे, और दूसरी चीजों का डिस्कशन भी होगा। सो आई होप एवरीवन इज रेडी नाउ। सभी फैकल्टी मेंबर्स मुझे एक बार बताएं कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है, सो दैट आई कैन स्टार्ट। और आज काफी सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज मैं कुछ डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन भी लेने वाला हूं। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली विल स्टार्ट विद द डीप लर्निंग पार्ट एज वेल। तो प्लीज आप बताएं, शैल वी स्टार्ट द सेशन? अंजलि मैम का कहना है कि यस। Okay, so I think couple of more people are joining. ओके, चलिए। सो थोड़ा सा मैंने बीच में ब्रेक दे दिया था, आई वॉज जस्ट वेटिंग दैट कि शायद कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हों। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या क्या कवरेज किया है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हमारा जो इनिशियल डिस्कशन रहा वो तो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर था। आपको ध्यान है जब सिल्वेस्टर सर ने हमारा पहला फर्स्ट डे जब लिया था, तो डेटा एनालिटिक्स की बात उन्होंने की थी, जिसमें कपल ऑफ लाइब्रेरीज को यूज करना उन्होंने बताया था कि सब पांडास कैसे यूज करेंगे, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए नमपी को कैसे यूज करते हैं, या फिर हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए मैट प्लॉट लिब को कैसे यूज करेंगे। तो ये हमारा एक तरह से डे वन का जो था एक्टिविटी था। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे से ट्यूजडे को, वेनसडे को एंड थर्सडे को, 3 दिन हमने सिर्फ मशीन लर्निंग के बारे में बात की, जिसमें हमने ये चीज समझी कि मशीन लर्निंग में हमारे पास दो तरीके का केस आया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक हमारे पास जो था वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का केस था, और दूसरा था हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, राइट? जब हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो डेटा सेट में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल रहती हैं? हमारे पास फीचर्स अवेलेबल रहते हैं और हमारे पास लेबल रहता है, राइट? सो जिस डेटा सेट में फीचर्स भी हों और लेबल भी हों, उस डेटा सेट को कई बार हम लोग लेबल्ड डेटा सेट भी कहते हैं, राइट? ये चीज हमारे पास है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग को आगे फिर से हमने दो हिस्सों में बांटा था, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो, एक रिग्रेशन है और दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन है, राइट? रिग्रेशन के केस में जो प्रिडिक्शन हम लोग करते थे
वो एक वैल्यू का प्रिडिक्शन होता था, राइट। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो एक क्लास का या एक कैटेगरी का प्रिडिक्शन होता था। रिग्रेशन के लिए हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, राइट। हमने जो है और एल्गोरिथम्स के बारे में भी थी कि भाई डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट या फिर और यू नो एल्गोरिथम इस केस में हो सकती हैं। वैसे ही क्लासिफिकेशन के लिए भी हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स थी, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट, ये हो गया, जैसे कि हमारे पास KNN या फिर हमारे पास डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट या नेववेज या SVM, ये सारी एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम्स हैं, राइट। सो इस तरीके का कवरेज तो हमने यहाँ पे किया था कि जब हम बात कर रहे थे कि भाई सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमने काफी सारा जो अंडरस्टैंडिंग था वो उस बात से समझा कि अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कि किस तरीके से उसमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है। तो आपको ध्यान है रिग्रेशन के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक हमने डेटा सेट लिया था इनकम डेटा डॉट CSV, राइट, जहाँ पे एक्सपीरियंस और सैलरी के बारे में डिस्कशन था। फिर एक और एग्जाम्पल हमने लिया था, उस केस में हमारे पास एक्सपीरियंस और सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और भी आ गए थे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में रहते हुए कितने घंटे काम हो गए हैं, सर्टिफिकेशंस कितने हैं, राइट, ये सारी चीजें भी उसमें हम लोगों ने काउंट की थी। तो इस तरीके का केस था। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए जिस एल्गो को हमने डिस्कस किया था वो था KNN, राइट, के नियरेस्ट नेबर। और क्लासिफिकेशन के लिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था, आपको ध्यान है मैंने एक सोशल नेटवर्क का डेटा लिया था जिसमें आपको ये प्रिडिक्ट करना था कि वो उस एड पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके की चीजें थी हमारे पास। और क्लासिफिकेशन के केस में ही हमने एक और कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान हो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, दे शो यू कि आपके कौन से प्रिडिक्शंस गलत हुए और कौन से प्रिडिक्शंस जो है करेक्ट रहे, इस तरीके की चीजें थी। उसके बाद जब हम थर्सडे को डिस्कशन कर रहे थे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का, तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के केस में आपके डेटा सेट में सिर्फ क्या होता है, यू ओनली हैव द फीचर्स एंड देयर इज नो लेबल। सो लेबल वहां पे नहीं मिलेगा आपको, देयर इज नो लेबल, राइट। सो इस केस में ये बात तो डेफिनेट हो गई थी हमारे डिस्कशन में कि इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वी डू नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन ऑन द डेटा, राइट। प्रिडिक्शन ओनली हैपेंस इन केस ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के केस में प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन अगर नहीं है देन व्हाट वी आर डूइंग इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वी डिवाइड अवर डेटा इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, राइट। और उसी एक्टिविटी को हमने क्या नाम दिया था, क्लस्टरिंग का नाम दिया था, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास एक तो एक्टिविटी ये हो गई थी कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन फीचर्स ओनली, सिर्फ फीचर्स के बेस पर हम डेटा को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, उस एक्टिविटी को हम लोग क्लस्टरिंग कहते हैं। और क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए हमने जिस एल्गो का यूज किया था वो के मीन्स था, राइट। और के मीन्स कैसे काम करती है, आपको ध्यान है उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको ये बताया था कि हाउ के मीन्स वर्क्स एग्जैक्टली, किस तरीके से के मीन्स जो है वो क्लस्टर्स बनाती है, राइट। तो सेंट्रोइड का वहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल गया था और फिर के मीन्स ने किस तरीके से क्लस्टर्स क्रिएट किए और कैसे वो एल्गो काम करती है, एक तो वो हमने समझा था। और साथ साथ हमने एक और चीज जानी थी के मीन्स में, आपको ध्यान आ रहा हो, जहां पे हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि ये कैसे पता करें कि व्हाट इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन अवर डेटा सेट, राइट। हम अब हमारे डेटा सेट में या हमारे पास जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसमें ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए, राइट। तो उसके लिए फिर आपको ध्यान है हमने एक मेथड यूज किया था, एल्बो मेथड, राइट। और एल्बो मेथड के लिए हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पैरामीटर फोकस किया था जिसका नाम क्या था, WCSS,
within cluster sum of squares, right? और आपको ध्यान है हमने एक प्लॉटिंग की थी जिसमें हम क्या कर रहे थे कि इस साइड में तो हम पता कर रहे थे कि भाई नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं और इस साइड में हम WCSS को मैप कर रहे थे, राइट? कि भैया क्लस्टर अगर 1 है तो WCSS कितने हैं, क्लस्टर अगर 2 है तो WCSS कितनी है, क्लस्टर 3 है तो WCSS कितनी है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ते जाते हैं हमारा WCSS कम होता जाता है और एक 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 लेवल के बाद वो सैचुरेट हो जाता है, राइट? तो जहां पे एल्बो क्रिएट हो रहा है दैट वाज द पॉइंट विच वुड बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। जहां पे एल्बो क्रिएट हो रही हो इस पूरे मैप में वही राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स था, दैट वाज द एल्बो मेथड, राइट? और भी मेथड होते हैं जिसके थ्रू ये पता किया जा सकता है कि राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए, पर फिलहाल हमने जिस मेथड को यूज किया था दैट वाज अवर एल्बो मेथड। तो ये हमारा डिस्कशन लास्ट थर्सडे तक रहा है। आई होप एवरीवन जो कि मुझे सुन रहे हैं फिलहाल उन लोगों को यहाँ तक पूरी क्लैरिटी है, और अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आज का सेशन है उसके ऊपर स्टार्ट कर सकता हूँ। सो इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस लास्ट वीक? जो मैंने क्विक रिविजन आपको किया है कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, सो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है चीजें, प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करें। सो अंजलि मैम ने कहा कि यस, निधि मैम थी, रजनी मैम, सुनीति चौहान मैम है, संजीव सर हैं मोदी से, यस। अब नाउ लेट मी स्टार्ट विद टुडे सेशन। सबसे पहले हमने यहां पर आज हम फिर से अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के ही एक हिस्से को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसके हमारे पास दो हिस्से हैं, एक तो क्लस्टरिंग है और दूसरा टाइप कहलाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्लस्टरिंग के बारे में थोड़ा सा एक दो चीजें और हम पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमने जो मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग के लिए वो के मींस को यूज किया और उसको यूज करना अब हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब जो चीज आपको ध्यान देने की है वो ये है कि के मींस के कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट? सो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? ऑल्दो इट इज अ वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम टू परफॉर्म क्लस्टरिंग ऑन द डेटा और टू परफॉर्म ग्रुपिंग ऑफ द डेटा, बट दिस एल्गो हैज गॉट फ्यू लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस का हमें थोड़ा सा नॉलेज या ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो लिमिटेशन आ गई है हमारे पर्टिकुलर केस में तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पे के मींस की कुछ लिमिटेशंस हैं वो एरिया कौन सा है उसको मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ। कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम आपको ध्यान हो तो एक एनिमेशन के थ्रू समझा था कि किस तरीके से आप अपने डेटा में यू नो क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्लस्टरिंग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो फिलहाल आपको जो स्क्रीन ब्राउजर स्क्रीन दिख रही है उसमें डेटा का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया था और फिर हमने 3 सेंट्रोइड्स वहां पे ऐड किए थे और ये सेंट्रोइड्स किस तरीके से एक दूसरे की बाउंड्री को डिवाइड करते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था। और फिर हम लोग क्या करते थे के मींस में, हम ये करते थे कि ये सेंट्रोइड्स तो हैं वो रैंडमली प्लेस्ड हैं एट द बिगिनिंग, स्टार्ट में इनको रैंडमली प्लेस किया गया है, लेकिन एक्चुअल सेंटर ऑफ मास अलग हो सकता है। तो एज ए नेक्स्ट एक्टिविटी हम यही करते थे कि हम सेंट्रोइड्स को उनके एक्चुअल सेंटर ऑफ मास, एक्चुअल सेंटर ऑफ मास मतलब इस एरिया का एक्चुअल सेंटर ऑफ मास मतलब एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स एंड द एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स हियर एंड एवरेज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हियर एंड द सेम इस क्लस्टर में भी एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड एवरेज ऑफ वाई, एवरेज ऑफ एक्स का मतलब जितने भी डेटा पॉइंट इसमें हैं उनका एवरेज एक्स कोऑर्डिनेट का और उनके वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, राइट? सो वी मूव्ड दोज यू नो सेंट्रोइड्स, और सेंट्रोइड्स को जब मूव करते थे तो बाउंड्री में बदलाव हो जाता था और बाउंड्री में बदलाव होने की वजह से क्या फर्क पड़ जाता था, हमारे डेटा पॉइंट्स भी इधर से उधर मूव
करने पड़ते थे हमें, तो इस तरीके से ये काम चल रहा था. एंड दैट वॉज द वे वी यूज टू अंडरस्टूड यू नो जहाँ पे कि किस तरीके से केमिस्ट ने काम किया है. अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी यू नो थर्सडे को कर चुका हूँ. अब मैं जिस पॉइंट के बारे में फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या के मींस की परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क पड़ता है अगर हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग हो, यूनिफॉर्म नहीं हो. यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो के मींस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन क्या हो अगर हमारा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है जो आपको अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट? इस स्क्रीन पर जिस तरीके से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, राइट, एक तरह से स्माइली फेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे अगर हम के मींस को यूज करें और इस डेटा को लेट से 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करें तो कैसे होगा? वी प्लेस फर्स्ट सेंट्रोइड रैंडमली, एडिंग सेकंड सेंट्रोइड रैंडमली, एडिंग वन मोर यू नो सेंट्रोइड रैंडमली. दिस इज ऑल रैंडम, राइट, एज पर के मींस एल्गोरिथम. और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने सेंट्रोइड्स को अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द एक्चुअल सेंटर ऑफ मास. And this goes on, this goes on, this goes on, this goes on, right? So I'm using k-means, right? So इस तरीके से k-means अपना काम कर रही है. So अभी भी placement हो रहा है. So इस तरीके से हमले कुछ एक final point पर हम पहुंचे. अब आप देखिए यहाँ पे एक issue मिल रहा है. इस तरीके का जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है वो आप समझ सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एक तरह से अलग अलग टाइप के क्लस्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे दिस इज अ वन क्लस्टर, दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज वन मोर क्लस्टर एंड दिस इज वन मोर क्लस्टर. एक तरह से 4 क्लस्टर इसमें मुझे मोटे मोटे दिख रहे हैं. और अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि के मींस ने भले ही इस पूरे डेटा को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये जो डिवीजन हुआ है वो इतना यू नो एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है. बिकॉज क्यों नहीं लग रहा है, अगर आप फीचर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पे देखो तो जो रिंग में जो जितने भी पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट वो एक क्लस्टर फॉर्म करने चाहिए. ये वाला जो ग्रुप्स है वो एक अलग से क्लस्टर बनना चाहिए, ये वाला अलग क्लस्टर बनना चाहिए, काइंड ऑफ ये वाला लाइक यू नो इस तरीके का क्लस्टर बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रिंग बनी हुई है इसमें ज्यादातर पॉइंट सिमिलर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे, ये वाला ग्रुप एक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा, ये वाला अनोदर को, ये वाला अनोदर को, राइट. तो इसका मतलब है अनयूनिफॉर्म्ड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में के मींस इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है. इसका मतलब हमें अच्छा रहेगा अगर हम किसी दूसरी एल्गोरिथम को यूज करके इस डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करें. और उस दूसरी एल्गोरिथम का नाम जो मैं आपको लेने वाला हूं कि कई बार के मींस इतना अच्छा काम नहीं करती है बिकॉज डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके का नहीं है, तो बेटर है हम एक दूसरी एल्गोरिथम पर मूव कर जाएं जिस एल्गोरिथम का नाम है डीबी स्कैन. सो डीबी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी बेस्ड. सो इसका मतलब ये एल्गोरिथम डेंसिटी के बेस पर नए क्लस्टर्स बनाती है, राइट. अब इसका जो काम करने का तरीका है वो के मींस जैसा नहीं है. ये डिस्टेंस के बेस पर जो क्लस्टर्स बनाती थी, डीबी स्कैन जो है वो डेंसिटी के बेस पर क्लस्टर्स बनाएगी. और डीबी स्कैन काम कैसे करती है उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे यू नो इस केस में जहां पर हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है स्माइली फेस की तरह है, उस केस में डीबी स्कैन कैसे काम करती है उसके बारे में समझाता हूं. लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे इस चीज को समझें कि जब भी डीबी स्कैन अपना काम करती है वो कैसे स्टार्ट करती है अपना काम. वो क्या करती है कि रैंडमली वो किसी भी एक पॉइंट से क्लस्टर फॉर्मिंग स्टार्ट करती है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
वो रैंडमली किसी भी एक लोकेशन से पूरे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में अपना काम स्टार्ट करती है क्लस्टर्स बनाने का। और क्लस्टर बनाने का उसका क्या पॉइंट रहता है उसको आप समझिए। वो क्या करती है, दो पैरामीटर्स को यूज करती है, एक पैरामीटर कहलाता है एप्सिलॉन और एक पैरामीटर कहलाता है मिनिमम पॉइंट्स। इट यूजेस टू डिफरेंट पैरामीटर्स टू फॉर्म क्लस्टर्स। वन पैरामीटर इज नोन एज एप्सिलॉन एंड द अदर वन इज नोन एज मिनिमम पॉइंट्स। सो एप्सिलॉन का क्या मतलब है, एप्सिलॉन का मतलब ये है कि विद इन अ सर्टेन रेडियस, विद इन अ सर्टेन रेडियस राइट, कितने पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि वो क्लस्टर को फॉर्म कर सके। तो इस केस में हमने जो मिनिमम पॉइंट्स लिए हैं वो लिए हैं 4। इसका मतलब विद इन अ रेडियस ऑफ 1, विद इन अ रेडियस ऑफ 1 अगर उसको 4 पॉइंट मिल गए, इट विल क्रिएट ए क्लस्टर। दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग ए क्लस्टर। अब उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे सर्कल्स बने हुए दिख रहे हैं राइट। जैसे ही मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ये इन क्लस्टर्स का साइज बढ़ रहा है। देखिए तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं अपनी रेडियस बढ़ा रहा हूं इन क्लस्टर्स का साइज बढ़ रहा है। पहली चीज तो ये हो गई राइट। दूसरी, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स को कम या ज्यादा करूंगा आप देख रहे होंगे जैसे मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स को कम किया है तो ज्यादा क्लस्टर्स दिखने लग गए हैं। जो क्लस्टर एक्चुअल में बन रहा है वो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है और जो क्लस्टर नहीं बन पा रहा है वो सिर्फ रेड बाउंड्री में या ऑरेंज बाउंड्री में दिख रहा है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे मैं नंबर ऑफ क्लस्टर नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे काउंट कम हो गया। देखो यहाँ पे ये एक क्लस्टर बनना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 4 पॉइंट अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही ये क्लस्टर बनना भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें कम से कम 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ऐसे ये क्लस्टर भी बन सकता है, ये भी क्लस्टर बन सकता है, ये भी बन सकता है राइट। ये क्लस्टर क्यों नहीं बन सकता, ये वाला क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है नहीं, इसमें सिर्फ आप देख रहे होंगे 1 या 2 ही दिख रहे हैं। व्हाई दिस इज नॉट फॉर्मिंग ए क्लस्टर, बिकॉज अगेन इसमें एक ही पॉइंट है। ये इसीलिए जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है। तो अगर मिनिमम 4 पॉइंट होंगे विद इन अ सर्टेन रेडियस तो ही क्लस्टर बनेगा। अब उसके बाद यहां से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। चेन रिएक्शन का क्या मतलब है उसको आप समझिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इनिशियल क्लस्टर पॉसिबल है तो अब क्या करेगा कि एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट के अराउंड 1 रेडियस के एरिया में कुछ और पॉइंट हैं क्या राइट। और अगर उनका काउंट 4 है तो इसकी एरिया बढ़ जाएगा राइट। एक तरह से चेन हो रही है, मतलब अब हर पॉइंट को एज अ सेंटर काउंट करते हुए हम एरिया अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंडीशन वही रहेगी कि उस एरिया में कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ है डीबी स्कैन। देखो जरा अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो सी दिस नाउ, देखो वहां से स्टार्ट हुआ है और अब एक एक पॉइंट के हिसाब से वो एक्सपेंड होता जा रहा है एज लॉन्ग एज यू मीट दैट कंडीशन के उस एरिया में मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए राइट। तो वो चीज बनती जा रही है। देखो यहां पर जब तक ये कंडीशन मीट आउट होती रहेगी वो जो क्लस्टर है वो एक्सपेंड होता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फेल होगी क्लस्टर बनना बंद हो जाएगा और वो बनना बंद होने के बाद हमारी एल्गोरिथम किसी दूसरे एरिया से स्टार्ट करेगी क्लस्टर की फॉर्मिंग। देखते हैं एक बार इसमें क्या हो रहा है। देखिए जरा ये देखिए, अब आप खुद डिसाइड करो कि इस तरीके के डेटा पर इस तरीके का क्लस्टरिंग ज्यादा बेटर है या इस तरीके का क्लस्टरिंग ज्यादा बेटर है। आप बताइए, के मींस वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इस केस में या फिर डीबी स्कैन वाला मेथड इस केस में ज्यादा इफेक्टिव है टू फॉर्म क्लस्टर। आप बताइए, व्हाट इज योर फीडबैक। तो मनीष सर का कहना है कि इस केस में डीबी स्कैन वर्क्स बेटर। विकास सर ने कहा है कि दिस वन इज गुड। अंजलि मैम का कहना है कि डीबी स्कैन ने अपना अच्छा काम किया है राइट। संजीव पटवा सर ने भी बोला है, अजय सर ने बोला है कि डीबी स्कैन राइट। सो
डेंसिटी बेस्ड, जिसको रजनी मैम ने कहा है कि यस। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है राइट, एग्जाम्पल को देखते ही हमें समझ में आ गया कि यहां पर इस पर्टिकुलर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के केस में के मींस मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव राइट। What is the effective algorithm in this case? In this case, we have to go with the DB scan. So, कई बार problem statement के हिसाब से भी हमारा ये decision होना चाहिए कि इस case में कौन सा algorithm जो है अच्छा काम करेगा, right? जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही algorithm हर case में काम में आ जाए, नहीं, अलग-अलग algorithms का अलग-अलग use case हो सकता है। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि K-means is still the most popular, clustering mechanism, but still, DB scan कई बार ज़्यादा effective हो जाती है, depending on the data distribution. विकास सर का एक सवाल आया है कि what about number of cluster it selects auto, और so विकास सर इसमें number of cluster का decision हमारा नहीं रहता, जैसे K-means के case में हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनाने हैं वो हम खुद से बताते थे कि भाई मुझे चार क्लस्टर बनाने हैं या पांच क्लस्टर बनाने हैं या दो क्लस्टर बनाने हैं, वो के मींस में हम लोग इनिशियल में ही ये डिसाइड करते थे बिकॉज उसके हिसाब से ही हम लोग अपने सेंट्रोइड का प्लेसमेंट करते थे। बट इन केस ऑफ डीवी स्कैन ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है, एज लॉन्ग एज हमारे पास ये कंडीशन मीट आउट होती जा रही है राइट, उसके हिसाब से हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड होंगे, हमारा इसमें रोल नहीं है। हम सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू और मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू के साथ खेलकूद कर सकते हैं और उसके हिसाब से डेफिनेटली क्लस्टर्स के काउंट पर फर्क आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा क्लस्टर बनेगा, कितने क्लस्टर बनेंगे, वो रन टाइम पर ही डिसाइड होगा उन पॉइंट्स के हिसाब से। विकास सर तो इस तरीके से हमने डीवी स्कैन को भी यूज करना सीखा। ऑल्दो मैंने फिलहाल उसका कोड नहीं बताया है, लेकिन आप कोड जैसा के मींस में हमने यूज किया था वैसे ही जो है आप उसके दूसरी हर एल्गोरिथम के बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल्स जाननी है कि वो कैसे काम करती है कोड में और कैसे उसको यूज करा जा सकता है, तो आप चाहें तो scikit-learn.org पर जा सकते हैं राइट। वहां पर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है राइट। सो जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक विद गूगल। सो साइकिट लर्न, आई थिंक दैट वाज द साइट, यस। सो नाउ दिस इज नॉट द केस, मुझे गूगल करना पड़ेगा exactly what is the link, scikit-learn home page, okay, let's see, oh okay, scikit-learn.org है, मैं उसको assume कर रहा था कि वो एक साथ है, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं जो पेज फिलहाल दिखा रहा हूँ उसमें देखो यहाँ पे सीधा हम लोग जा भी चुके हैं कि अगर आपको क्लासिफिकेशन वाली एल्गोज के बारे में जानना है तो आप इस टॉपिक पे जा सकती हैं और वो बता भी रहा है कि आपको क्लासिफिकेशन कब यूज करना चाहिए, स्पैम डिटेक्शन के लिए, इमेज रिकॉग्निशन के लिए, रिग्रेशन का कब यूज करना चाहिए, ड्रग रेस्पॉन्स के लिए, स्टॉक प्राइसिंग के लिए, क्लस्टरिंग का कब यूज करना चाहिए, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए राइट। कस्टमर सेगमेंटेशन हमने लास्ट टाइम किया था, आपको ध्यान है वो एग्जाम्पल लिया था मॉल कस्टमर्स का कि आपको कस्टमर्स को सेगमेंट करना था बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेटेड सैलरी एंड स्पेंडिंग स्कोर राइट। तो इस तरीके की चीजें तो एवरीथिंग इज देयर यहाँ पे, सो सब कुछ यहाँ पे है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन की हम लोग बाद में बात करेंगे, शायद कल मैं उसके बारे में बात करूंगा कि पीसीए या अदर टेक्निक्स कैसे यूज की जाती है इन केस ऑफ डायमेंशन रिडक्शन राइट। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे काफी सारी हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज। रुचि मैम का एक सवाल है, व्हेन इट इज बेस्ट टू यूज डीबी स्कैन। सो जैसा कि आपको इस एग्जांपल में भी रुचि मैम मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये सारा का सारा जो डिसीजन है कि हमें के मींस यूज करना चाहिए या डीबी स्कैन, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है।
राइट। और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए आपको उस डेटा को प्लॉट करने की जरूरत है, उसको स्कैटर करने की जरूरत है, उसके लिए आप मैटप्लॉटलिब को यूज कर सकती हैं। आपको ध्यान है लास्ट टाइम जब मैंने के मींस का एग्जांपल आपको दिया था, मैंने जो भी डेटा सेट यूज किया था जिसमें हमने क्या यूज किया था कि एस्टिमेटेड सैलरी क्या है और स्पेंडिंग स्कोर क्या है मॉल कस्टमर्स डॉट सी एस वी, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें सबसे पहले मैंने मैटप्लॉटलिब यूज करते हुए उसको स्कैटर किया था राइट। और उससे पता चला था कि इस केस में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू यूनिफॉर्म है, एकदम आइडियल यूनिफॉर्म तो कभी नहीं होगा राइट, क्लोज टू यूनिफॉर्म है। तो उसके हिसाब से हमें एक डिसीजन वहां पे लेना पड़ता है कि इस केस में हमें k-means के साथ जाना चाहिए या फिर dbSCAN के साथ जाना चाहिए। जैसे इस केस में दिखाई दे रहा है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बेस पर ज्यादा हो रहा है रादर देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इन दिस केस जो है यहाँ पे राइट। सो ये वाला अगर केस होता यहाँ पे इस तरीके का केस के लिए के मींस मच बेटर है, और इस तरीके के केस के लिए जो है आपका डीबी स्कैन मच बेटर है। रुचि मैम तो अब आगे चलते हैं कुछ और नई चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सो के मींस का रिवीजन हमने कर लिया है और के मींस के साथ क्या इश्यू हो सकता था वो डिस्कशन भी हमने कर लिया, और फिर उसका क्या इलाज हमको मिला डीबी स्कैन की फॉर्म में उसका इलाज मिला। तो ये दो पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर दिए हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो एक पॉइंट मेंशन कर रहा है पिकलिंग। अभी पिकलिंग क्या चीज है उसको समझिए सब लोग, ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये क्या चीज होती है। लेट्स सी, सो अगेन आई कम टू माय ड्राइंग बोर्ड, वहीं पे चलते हैं, शायद वहां से अच्छा समझा सकूं मैं। मान लीजिए मोदी यूनिवर्सिटी से संजीव सर इस डिस्कशन में हैं। सो यहाँ पर ये संजीव सर हैं। सो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, और संजीव सर के साथ उनके डिपार्टमेंट में एक और फैकल्टी मेंबर हैं जो कुछ रिसर्च पर काम कर रही हैं, और ये दोनों मिल करके जॉइंटली एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो दे आर वर्किंग, सो लेट्स से ये मिस्टर ए हैं, ठीक है। नाउ संजीव सर और मिस्टर ए साथ में काम कर रहे हैं, तो मिस्टर ए के लैपटॉप पर, ठीक है, मिस्टर ए के लैपटॉप पर दे आर बिल्डिंग सम प्रोजेक्ट राइट। सो यहां पे डेटा है, यहीं पे उन्होंने मॉडल को क्रिएट किया, यहीं पे उन्होंने मॉडल को ट्रेन किया राइट और यहां पे उन्होंने अपने टेस्टिंग के लिए प्रेडिक्शन भी निकाले। सो एवरीथिंग, सो ऑलमोस्ट एवरी डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट इज हैपनिंग ऑन दिस मशीन ए, ये एक, ठीक है। अब संजीव सर किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रैवल करने वाले हैं और वहां पर अपने इस प्रोजेक्ट का उनको एक डेमो देना है राइट। सो संजीव सर अपना लैपटॉप वहां पे लेके जाते हैं, ठीक है, एन ऑडियंस इज देयर राइट, पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेमो यहां पे। सो अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रॉब्लम किस तरीके का है कि यहां पे पूरा रिसर्च का जो काम है वो तो एक ही मशीन पे हुआ है, डेटा का कलेक्शन, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, मॉडल की ट्रेनिंग। लेट्स से मॉडल की ट्रेनिंग टेक्स अराउंड 2 आवर्स, ठीक है, मैं एक नॉर्मल टाइम बता रहा हूं। मैंने फॉस्क के अंदर हमने काफी कुछ प्रोजेक्ट्स किए मशीन लर्निंग पर और एआई पर, और जब डेटा सेट इमेज की फॉर्म में होता है तो मॉडल को ट्रेन कराना मेमोरी इंटेंसिव भी होता है और उसमें काफी टाइम भी खर्च होता है। मुझे ध्यान है हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें करीबन हमारे डेटाबेस में करीबन कुछ 3 या 4 लाख इमेजेस थी राइट,
और उन 3 या 4 लाख इमेजेस को जब हमने यूज किया टू ट्रेन अवर मॉडल, आई थिंक इट टुक अराउंड 20 to 24 आवर्स टू ट्रेन द मॉडल कंप्लीटली, और वो भी हमने अमेजोन के क्लाउड पे किया था AWS के ऊपर, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा, राइट, योर टाइम मे वेरी इफ डेटा इज यू नो नॉट दैट मच. जैसे कि अभी हम लोग अपने कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसमें तो मिनट दो मिनट में ही वो ट्रेनिंग हो जाती है, लाइक मिनट दो मिनट भी बहुत ज्यादा है, सेकंड्स में वो ट्रेनिंग हो जाती है. तो हम उसी प्रॉब्लम पे वापस आ रहे हैं कि मशीन ए पे सारा काम हुआ है, राइट, और डेटा का क्लीनिंग, डेटा का मॉडलिंग, डेटा का ट्रेनिंग, एवरीथिंग हैपेंड ऑन द मशीन ए, एंड नाउ संजीव सर इज ऑन ट्रेवल टू टेक पार्ट इन सम कॉन्फ्रेंस एंड ही हैज टू गिव अ डेमो. अब डेमो देने के लिए बेसिकली क्या डेमो देना है, कि उनको कुछ टेस्ट डेटा लेना है और टेस्ट डेटा पर यूज करते हुए ही हैज टू परफॉर्म सम प्रेडिक्शन यूजिंग द मॉडल विच वॉज ट्रेन्ड ऑन मशीन ए. मॉडल तो यहाँ पे ट्रेन हुआ, तो क्या संजीव सर वापस से ट्रेनिंग लगाएं विच विल टेक 2 आवर्स, राइट, एंड देन द यू नो प्रेडिक्शंस विल हैपन. अब 2 घंटे के लिए कौन वेट करने वाला है वहां पे, 2 घंटे के लिए तो कोई वेट नहीं करेगा, राइट, कि 2 घंटे पहले ट्रेनिंग होगी और फिर हम लोग जो है प्रेडिक्शन देखेंगे. तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमें देखना पड़ता है कि क्या हम ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल को जो कि मशीन ए पे बना हुआ है, क्या उसको हम सीधा संजीव सर की मशीन पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे क्या फायदा होगा. अगर हमने उसको ट्रेंड मॉडल को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया दूसरी मशीन पर, तो हम डायरेक्टली प्रिडिक्शन कर सकते हैं विदाउट ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल, राइट. वी डोंट नीड टू ट्रेन द मॉडल बिकॉज अब हमने जो मॉडल यहाँ पे कॉपी किया है वो ऑलरेडी ट्रेंड है. इस तरीके की चीज पॉसिबल है और काफी यूज भी होती है. आपको सिंपली क्या करना है कि इस मशीन ए पर जो मॉडल आपने ट्रेन किया है या जो यूजेबल फॉर्म में है, उसको एक दूसरे फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट को कहते हैं पिकल फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में हमें सेव करना होता है. वंस वी सेव अवर मॉडल इन पिकल फॉर्मेट, इट बिकम्स अ सिंगल फाइल. That single file can be copied to any machine. In this particular case, वो संजीव सर की मशीन पर उसको कॉपी कर दिया, और वहां से जब वो कॉपी हो चुका है, उसको हम वापस उस मशीन पर क्या करने वाले हैं, अनपिकल करने वाले हैं. एक तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, पिकल किया. पिकल करने के बाद उसको पेन ड्राइव में कॉपी किया. पेन ड्राइव में कॉपी करने के बाद हमने उस मशीन पर उसको कॉपी किया. कॉपी करने के बाद उसको अनपिकल कर लिया. अनपिकल करने के बाद वो मॉडल हमारा वापस से रिक्रिएट हो गया सेम उसी फॉर्म में जो कि मशीन ए पे अवेलेबल है, और अब उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. दैट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर प्रेडिक्शन, राइट. इस तरीके के कॉन्सेप्ट को पिकलिंग कहते हैं, राइट. पिकल का मतलब एक पिकल फॉर्मेट होता है जिसमें आपने मॉडल को सेव कर लिया है. दूसरे फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे कि मुझे जहां तक ध्यान है HF फॉर्मेट भी होता है. सो देर आर कपल ऑफ फॉर्मेट जनरली मशीन लर्निंग में, तो पिकल फॉर्मेट वर्क्स बेटर, बट इन केस ऑफ डीप लर्निंग आई थिंक H5 फॉर्मेट होता है. सो दिस इज नोन एज H5 फॉर्मेट. सो H5 फॉर्मेट जो है यूज किया जाता है इन केस ऑफ डीप लर्निंग. तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या आप लोगों को समझ में आया कि हमने किसके बारे में बात की और ऐसा केस क्यों बन सकता है? डिड यू गेट इट? प्लीज बताएं मुझे. फैकल्टी मेंबर्स प्लीज अपना फीडबैक दीजिए. क्या आपको पिकल वाला समझ में आया? यस, ये प्रोसेस पिकलिंग है. रजनी मैम का कहना है कि क्या ये एपीके फाइल की तरह ही है? यस, इट इज अ काइंड ऑफ एपीके फाइल. क्या अगर आपने डेवलपमेंट कर लिया और आपने एक एपीके फाइल क्रिएट कर ली एंड्रॉइड ऐप के लिए, फिर आप उस एपीके फाइल को दूसरी जगह यू नो इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, राइट. हाँ विकास सर, ये पिकलिंग, इस प्रोसेस को पिकलिंग कहते हैं. अंजलि मैम का कहना है कि प्लीज प्रोवाइड द स्टेप्स टू परफॉर्म पिकलिंग. अंजलि मैम, 3-4 लाइन का एक कोड है, मैं आपको मेल के ऊपर शेयर कर दूंगा. फिलहाल मैंने उसको डेमो के लिए यूज नहीं किया है, बट यस विल शेयर द कोड. अंजलि मैम,
बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात, बहुत ही यू नो कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा तो डेफिनेटली होगा, डेवलपमेंट की मशीन एक है और उसको कहीं दूसरी जगह हमें यूज भी करना है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो दो चीजों के बारे में है जिसका नाम है ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग। अभी क्या कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मैं एक दो बार इनकी पहले भी नाम तो शायद ले चुका हूं, बट एग्जैक्टली क्या चीज है उसको आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज ओवरफिटिंग एंड व्हाट इज अंडरफिटिंग। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल। मैं फिर से अपने ड्राइंग बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, लास्ट वीक हम लोगों ने जब भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के केस में, मान लीजिए आप चलिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग के केस में जब हम थे, चाहे हम वहां पे रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे थे और चाहे क्लासिफिकेशन, राइट, दोनों ही केस में हम एक काम करते थे अगर आपको ध्यान हो तो। वो काम क्या था कि जो डेटा सेट हम लोग रीड करते थे सीएसवी फाइल से, उस डेटा सेट से हम दो चीजें निकालते थे। एक तो निकालते थे फीचर्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और एक निकालते थे हम उसमें से लेबल, राइट। इन फीचर्स को भी आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक क्या कहलाता था, फीचर्स ट्रेन, और एक कहलाता था फीचर्स टेस्ट। ऐसे ही लेबल को भी हम दो हिस्सों में बांटते थे, लेबल ट्रेन और दूसरा हिस्सा लेबल टेस्ट। याद आ गया होगा आपको। और ऐसा काम करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था, साइकिटलर्न का ट्रेन टेस्ट स्प्लिट याद यूज किया था, राइट। जब ये चार हिस्से बन जाते थे तब हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग के लिए कौन सा हिस्सा यूज करते थे, मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज करते थे फीचर्स ट्रेन और लेबल्स ट्रेन। आपको याद है ट्रेनिंग के लिए हमने यही यूज किया था डॉट फिट मॉडल में, आपको ध्यान हो डॉट फिट में हम यही यूज करते थे फीचर्स ट्रेन और लेबल्स ट्रेन, ठीक है। और प्रिडिक्शन किससे निकालते थे, हम प्रिडिक्शंस निकालते थे फीचर्स टेस्ट डेटा पर, और उसके जो रिजल्ट्स आते थे कंपेयर करते थे हम लोग लेबल्स टेस्ट से। दैट वाज अवर मॉडल, राइट। अब हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, मतलब कितने अच्छे प्रिडिक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्कोर। व्हाट इज द स्कोर ऑफ योर मॉडल, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट, स्कोर। स्कोर को निकालने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। एक स्कोर कहलाता है ट्रेनिंग स्कोर और दूसरा स्कोर कहलाता है टेस्ट स्कोर, ठीक है। कैसे काम करता है ये ट्रेनिंग स्कोर या टेस्ट स्कोर, आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया यूजिंग ट्रेनिंग डेटा फीचर्स ट्रेन और लेबल ट्रेन यूज करके, अगर आप वापस प्रेडिक्शन मांगने के लिए अपने ट्रेनिंग डेटा को ही यूज करो, इसका मतलब प्रिडिक्शन आप किस पर निकाल रहे हो, ट्रेनिंग डेटा पर, उसी डेटा पर जिससे आपने ट्रेनिंग की है, तो वो स्कोर कहलाता है ट्रेनिंग स्कोर, ठीक है। अगर आप प्रिडिक्शन के लिए यूज कर रहे हो टेस्ट डेटा को, तो वो स्कोर कहलाता है टेस्ट स्कोर। तो ट्रेनिंग के लिए तो आप हमेशा फीचर्स ट्रेन और फीचर्स लेबल्स ट्रेन को ही यूज कर रहे हो, राइट। फिटिंग ऑफ द मॉडल ऑलवेज हैपेंस विद व्हाट, फीचर्स ट्रेन और लेबल्स ट्रेन। लेकिन हम प्रिडिक्शन अगर
निकाल रहे हैं यूजिंग ट्रेन डेटा तो वो स्कोर कहलाता है ट्रेनिंग स्कोर, और अगर हम प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं एक तरह से टेस्ट डेटा पे तो वो स्कोर कहलाता है टेस्ट स्कोर। ये वैसा ही है जैसे कि आपने अपनी क्लास के अंदर कल बच्चों को पढ़ाया जिसमें आपने 5 सवाल करवाए, और आज क्लास टेस्ट में वापस से वही 5 सवाल फिर से पूछ लिया आपने, तो एक तरह से वो स्कोर कौन सा कहलाएगा? ट्रेनिंग स्कोर कहलाएगा, राइट? लेकिन आपको पता है कि बहुत कम केस में कोई भी बच्चा उसमें से 100 on 100 लेके आएगा, भले ही आपने वो 5 सवाल कल बताए, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 5 सवाल सही कर पाए। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, राइट, कि उसने कितने अच्छे से सीखा। और दूसरा, कल आपने 5 सवाल करवाए बट उनके बेस पर आपने आज क्लास टेस्ट लिया है और वो सवाल सारे के सारे नए हैं क्लास टेस्ट में, तो वो स्कोर कौन सा कहलाएगा? टेस्ट स्कोर कहलाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ट्रेनिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर की बात कैसे करते हैं? फिर मैं कोड के अंदर बताऊंगा कि इनको कैसे यूज करते हैं। प्लीज बताएं कि आपको ट्रेनिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया। रेज्यूमेम का कहना है कि यस, ट्रेनिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर समझ में आया। संजीव सर का भी कहना है कि यस, ही गॉट इट। शिखा मैम, सो कुसुम मैम, सो यू नो, जब भी क्योंकि आप सब लोग तो टीचर रहे हुए हैं और सब पढ़ा रहे हैं कुछ, यू नो, तो ये एक कनेक्ट देता है ऐसे केसेस में जहाँ पे पूरा केस ऑनलाइन चल रहा है और फिजिकल में आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी आंखों से नहीं समझ सकता कि आपको समझ में आया नहीं आया। इसीलिए प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें जब भी मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या फीडबैक है आपका। सो अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो यू नो इट गिव्स अस ए बेटर कनेक्ट, और मुझे एक क्लैरिटी मिलती है कि जो मैंने बोला है, बताया है, उसको मुझे वापस से रीट्रेट करने की जरूरत है या फिर मैं आगे मूव कर सकता हूँ, राइट? तो इस चीज को थोड़ा सा फर्क है ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पर हम पुराने एग्जाम्पल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए, हमने लास्ट टाइम जब शुरुआत की थी मशीन लर्निंग की तो सबसे पहले हमने इनकम डेटा डॉट सी एस वी से डेटा सेट को पढ़ा था, राइट? उसमें से फिर हमने एक्सपीरियंस को और सैलरी को अलग कर लिया था। सो आई गॉट सम एरर बिकॉज मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की थी। सो नाउ आई रीड द डेटा, ये डेटा सेट मेरा आ गया है। उसके बाद मैंने फीचर्स इसमें से अलग कर लिए थे, राइट? फिर मैंने इसमें से लेबल को भी अलग कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को परफॉर्म करके हमने 4 नए डिफरेंट सेट निकाले थे, फीचर्स ट्रेन, फीचर्स टेस्ट, लेबल्स ट्रेन और लेबल्स टेस्ट, राइट? और फिर हमने अपने मॉडल को क्रिएट किया था, एम्प्टी मॉडल क्रिएट हो गया यहाँ पे। सो अगेन आई गॉट द एरर बिकॉज आई डिडंट इंपोर्ट दैट। सो मुझे, मैंने इंपोर्ट कर लिया अब इसको। सो आई क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ माई लीनियर रिग्रेशन क्लास, और फिर उसके बाद हमने अपने मॉडल को फिट किया किसके ऊपर, फीचर्स ट्रेन और लेबल्स ट्रेन के ऊपर, राइट? और उसके बाद फिर हमने जो है प्रेडिक्शन निकाला था टेस्ट डेटा के ऊपर। ये कहानी हुई थी। अब मैं स्कोर निकालने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू यू नो फाइंड आउट द स्कोर। तो मैंने आपको बोला था कि स्कोर 2 तरीके से निकाला जा सकता है, किस तरीके से रिग्रेसर डॉट स्कोर हमारा मेथड है और हम 2 तरीके से स्कोर निकाल रहे हैं। एक तो टेस्ट डेटा पर स्कोर, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ क्या दिया है उसको, फीचर्स टेस्ट, ये इनपुट डेटा है। इस इनपुट डेटा पे जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकल के आएंगी रिग्रेसर के थ्रू, उनको वो किससे कंपेयर कर देगा, लेबल्स टेस्ट। इसके हिसाब से जब वो कंपेयर कर देगा तो पता चलेगा कि टेस्टिंग स्कोर कितना है हमारा। इस केस में हमारा टेस्टिंग स्कोर आया क्लोज टू 98%, राइट? ऐसे ही मैं रिग्रेसर डॉट स्कोर मेथड को कॉल कर रहा हूं बट दिस टाइम फीचर्स ट्रेन डेटा मैंने पास किया है। इस फीचर्स ट्रेन डेटा पर प्रेडिक्शंस निकाले जाएंगे और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आएंगी इसको कंपेयर किससे किया जाएगा, लेबल्स ट्रेन से, राइट? तो ये स्कोर कहलाएगा हमारा ट्रेनिंग स्कोर, एंड दिस स्कोर कम्स आउट टू बी क्लोज टू 94%, राइट? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 स्कोर निकाले हैं, एक ट्रेनिंग स्कोर और एक टेस्ट स्कोर। सो Now we have 2 scores here.
सो नाउ स्कोर ऑफ द मॉडल, जनरली इसको कई बार हम लोग एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल भी बोलते हैं. स्कोर दो तरीके के हो गए हमारे पास, ट्रेनिंग और टेस्टिंग. ठीक है, अब यहां से दो चीजें समझ में आनी चाहिए हमें. यहां पर एक केस तो ऐसा है कि हमारे मॉडल को जो हमने बिल्ड किया, राइट, वहां पे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग स्कोर तो अच्छा है, सो ट्रेनिंग स्कोर इज गुड, ठीक है, बट द टेस्टिंग स्कोर इज पुअर. अब आप कहोगे कि सब गुड कितना माने, तो जनरली हम लोग मानते हैं कि 70 से ऊपर या 75 से ऊपर या 84 से ऊपर अगर कोई स्कोर आ रहा है तो उसको एक गुड स्कोर बोला जाता है, ठीक है, और पुअर स्कोर मतलब कम है, यू नो ट्रेनिंग स्कोर से डिफरेंस काफी ज्यादा है. लेट से ट्रेनिंग स्कोर अगर 80% है तो वो 60% ही आ रहा है या 55% ही आ रहा है, अगर ट्रेनिंग स्कोर 70% है तो वो 45% पे टिक गया है. तो इस तरीके का मॉडल हो सकता है, दिस केस इज पॉसिबल, ट्रेनिंग इज गुड राइट बट द टेस्टिंग इज पुअर. इस तरीके के केस को हम लोग मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल, राइट. इन अदर केस वॉट कैन हैपन, योर ट्रेनिंग स्कोर इज ऑल्सो पुअर एंड योर टेस्टिंग स्कोर इज ऑल्सो पुअर, दोनों ही पुअर है. क्लास में जो बच्चा आप पढ़ा रहे हो भाई इतना माड़ा है, उसको कितना ही समझा दो वो समझ ही नहीं पाता है, आप उसको चार बार रिपीट कर दो चीजें नहीं समझ पा रहा है. तो वो जो केस है, जब वो क्लास में नहीं समझ पा रहा है तो एग्जाम में भी क्या करेगा, वो आपको मालूम ही है, दोनों ही जगह पुअर परफॉर्मेंस है उस केस की. इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं अंडर फिटिंग, तो दिस इज कॉल्ड एज अंडर फिटिंग. अब आप देखोगे एक अच्छे केस में ना तो मुझे अपना मॉडल ओवर फिटेड चाहिए और ना ही मुझे मॉडल अपना अंडर फिटेड चाहिए. मुझे तो कैसा मॉडल चाहिए, आई नीड अ मॉडल विच इज स्कोरिंग गुड ऑन ट्रेनिंग डेटा एंड स्कोरिंग गुड ऑन टेस्ट डेटा एज वेल. दिस इज द केस, दिस इज द केस विच आई वॉन्ट, राइट. ये केस है आइडल केस जिसको हम लोग बोलेंगे, जो हमें चाहिए, राइट. सो नीदर ओवर फिटिंग इज रिक्वायर्ड एंड नीदर अंडर फिटिंग इज रिक्वायर्ड, राइट. Now, अगर हमारे मॉडल में अंडर फिटिंग हो रही है तो फिर उसका क्या करें. मान लीजिए हमें पता चल गया कि अंडर फिटिंग हो गई है हमारे मॉडल में, राइट, क्या कि भैया ट्रेनिंग स्कोर भी पुअर है, ठीक है, राइट, एंड टेस्ट स्कोर भी पुअर है, तो क्या करें. इस केस में ज्यादातर केस में अंडर फिटिंग तब होती है जब आपके पास ट्रेनिंग डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर इतना नहीं है कि मॉडल सही तरीके से लर्न कर सके, ठीक है. तो उस केस में आपको अपना ट्रेनिंग डेटा का साइज बढ़ाना चाहिए, पहली चीज तो ये है. या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना एल्गो चेंज करके देखें, हो सकता है एक सिंपल एल्गो की वजह से वो अंडरफिट हो रहा हो तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गो लेके आए तो हो सकता है आपकी अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. पहली चीज तो ओवरफिटिंग को हैंडल करने के लिए कुछ केसेस रहते हैं, राइट, उस टेक्निक को कहते हैं रेगुलराइजेशन. क्या बोलते हैं उसको, रेगुलराइजेशन कहते हैं. सो दिस इज नोन एज रेगुलराइजेशन. सो रेगुलराइजेशन इज ए टेक्निक टू हैंडल ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल, और उस रेगुलराइजेशन में भी कुछ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उनका नाम है लासो या रेज या इलास्टिक नेट, राइट. ये उन एल्गोरिथम के नाम हैं जिनको तब यूज करते हैं जब आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा हो. सो ये एल्गो हैं तो रिग्रेशन और यू नो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एल्गो हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब हमारा मॉडल ओवरफिट हो रहा हो, राइट. विकास सर का एक सवाल आया है कि साहब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा ट्रेनिंग स्कोर तो पुअर है, राइट, लेकिन टेस्ट स्कोर इज गुड है, राइट. आपको मालूम है विकास सर, ऐसा तो होगा नहीं जब तक बच्चा खुद चीटिंग नहीं करे मेन एग्जाम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट. सो ये केस हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है. तो ये पहले तीन केसेस हो सकते हैं, ये वाला केस मैंने नहीं देखा है, और अगर ऐसा है तो ये जरूर कहीं ना कहीं हमने अपने मॉडल में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए ऐसा
हो रहा है, ऐसा होगा नहीं विकास सर। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है अंडरफिटिंग का या ओवरफिटिंग का। क्या आपको समझ में आया कि अंडरफिट कब होता है, ओवरफिट कब होता है, अंडरफिटिंग हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें, ट्रेनिंग डेटा बढ़ा दें या एल्गो को चेंज कर दें, राइट? और अगर ओवरफिट हो रहा है तो कैसे करें कि भैया फिर उस केस में आपको रेगुलराइजेशन टेक्निक लगानी पड़ सकती है, उस केस में आपको लासो, रेज या इलास्टिक नाम, इलास्टिक नेट जैसी चीजें एल्गो का यूज करना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज बताएं एक बार। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एसोसिएशन के ऊपर। सो नाउ वी विल डिस्कस द एसोसिएशन। सो लेट्स सी। सो जयशंकर शर्मा सर हैं इस बार, उन्होंने यस कहा है। सो नाउ लेट्स ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब आगे देखते हैं। हम अब अपने फिर से अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे आ गए हैं। सो वी आर अगेन ऑन द अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। किस केस में होता है अनसुपरवाइज्ड? वेयर यू हैव ओनली फीचर्स एंड देयर इज नो लेबल। सो यू हैव ओनली फीचर्स एंड देयर इज नो लेबल, ये नहीं है, ठीक है? एक चीज तो ये हुई। इस केस में हम ऑलरेडी जो क्लस्टरिंग वाला पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो नाउ वी आर डन विद दैट। हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं जिसका नाम है एसोसिएशन। ये है एसोसिएशन, ठीक है? अब एसोसिएशन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इस चीज को समझना है। एसोसिएशन का काफी जगह यूज होता है, पर्टिकुलरली जो यूज हो रहा है वो एक तो ई कॉमर्स में यूज हो रहा है, देयर इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है? और उसी से मैं एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं फिलहाल, या कहीं पे भी रहें, लाइक यू नो राजस्थान में किसी भी सिटी की बात कर लें या गांव की, हम अपना मंथली जो घर का किराना है या राशन है, राइट, वो आसपास के अपने किराना वाले से लेके आते हैं, राइट? किराना वाला क्योंकि खुद वहां पर बैठा हुआ है काउंटर के ऊपर और वो रोज सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता है, उसको ऑब्जर्वेशन से ये पता चल जाता है कि लोग, फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रेड खरीदते हैं तो साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में या तो मिल्क लेते हैं या फिर यू नो एग लेते हैं, राइट? इस तरीके की चीजें लेते हैं, या फिर वो ब्रश खरीदते हैं तो मोस्ट लाइकली है कि वो पेस्ट भी खरीदेगा या फिर माउथ वॉश भी खरीदेगा, राइट? या फिर कोई आइटम एक्स खरीद रहा है तो वो वाई भी खरीदेगा, राइट? जनरली उसको ये कैसे पता चला? क्योंकि वो सुबह से शाम तक, छोटा स्टोर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादातर चीजें उसके हाथ के नीचे से ही गुजर रही है, तो उसको मालूम है कि कौन किसके साथ क्या खरीद रहा है। और इस फाइंडिंग का या इस ऑब्जर्वेशन का वो क्या फायदा उठाता है, हमारा किराना वाला? आपने देखा होगा, इसका फायदा वो उठाता है जो वो सामान रखता है, राइट, उसके डिस्प्ले में, राइट? जैसे ज्यादातर केस में वो देखेगा कि ब्रेड हो गया या मिल्क हो गया, एग हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ज्यादातर उनको वो एक सेल्फ पे या एक डिस्प्ले पे रखेगा, राइट? ब्रश हो गया या पेस्ट हो गया या फिर और जो ओरल यू नो हाइजीन की वाली चीजें हैं वो उनको एक जगह रखेगा। इसका मतलब वो आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधार रहा है उस लर्निंग की वजह से जो उसको मिली है। और वो लर्निंग ये है कि यार ये अच्छा है कि अगर मैं ब्रेड अगर एक कोने में रख रहा हूं तो उसी कोने में मुझे दूसरे प्रोडक्ट्स भी रखने चाहिए रिलेटेड सिमिलर, राइट? ये कोई फायदा नहीं है कि अगर मेरी दुकान में मैं इस कोने पे तो रख दूं ब्रेड और दूसरे कोने पे रखूं मिल्क, इट वुड नॉट बी ए वेरी गुड यूजर एक्सपीरियंस। ये तो खराब यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट? आप अपनी चीजों को साथ में बेचना नहीं चाह रहे हैं, राइट? तो इस तरीके की चीज जो है वो
एसोसिएशन को दिखा रही है कि किराना वाले ने वाई ऑब्जर्वेशन ये पता कर लिया कि कौन सी चीज किसके साथ एसोसिएटेड है, राइट? एसोसिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, समथिंग लाइक दैट, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इफ समवन वाइज आउट आइटम एक्स, ही और शी आल्सो वाइज आउट आइटम वाई, राइट? बट यही चीज, यही काम जब आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पर, लेट से आप अमेजोन की बात करो या फिर आप फ्लिपकार्ट की बात करो या फिर अलीबाबा की बात करो, वहां पर कौन देख रहा है कि किसके साथ क्या आइटम बिक रहा है? वहां पे तो ऑब्जर्वेशन से चीजें आप ये कर नहीं सकते, आपको किसी ना किसी मैथमेटिकल मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप ये निकाल सको कि कौन सा आइटम किस आइटम के साथ ज्यादा बिक रहा है। पहली चीज तो ये है, बट हमें ये चाहिए क्यों, कि हमें क्यों पता करना है कि साहब ये आइडेंटिफाई करना कि एक्स के साथ क्या बिक रहा है ज्यादा, इससे हमारा सेल्स इंप्रूव हो सकता है, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता है। क्यों इंप्रूव हो सकता है? कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए रुचि मैम ने सिर्फ आइटम एक्स खरीदा है फ्लिपकार्ट से, राइट? और फ्लिपकार्ट को ये नॉलेज है कि ज्यादातर लोग जब एक्स खरीदते हैं तो साथ में वो वाई भी खरीदते हैं, तो रुचि मैम को क्या सजेस्ट कर सकता है राइट साइड में कि वाई भी खरीद लो, राइट? इस तरीके की चीज से हम एक तरह से रिकमेंडेशन भी बना सकते हैं। अगर हमें अपने डेटा की नॉलेज है, हमें अपने ये नॉलेज है कि किस ट्रांजैक्शन में क्या बिक रहा है, किसके साथ क्या बिक रहा है, अगर आपको ये नॉलेज है, उस नॉलेज बेस का हम फायदा उठा सकते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई आदमी सिर्फ एक्स खरीदेगा तो हम उसको वाई भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, he or she also buys the item y. This concept is known as association. और जो लोग MBA वगैरह की साइड से आते हैं, जिन्होंने बिजनेस में कुछ डिग्री ली है, इस कॉन्सेप्ट को वो लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस भी कहते हैं। So this is also known as market basket analysis. क्या ये समझ में आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एसोसिएशन का क्या मतलब है, कि हम किस तरीके से ई कॉमर्स साइट्स पे या किसी दूसरी स्टोर के ऊपर हम जो है पता करना चाहते हैं कि कौन सा आइटम किसके साथ एसोसिएटेड है, और वो एसोसिएशन अगर हमें एक बार पता चल जाए तो उस नॉलेज का हम फायदा उठा सकते हैं टू इम्प्रूव द सेल्स, राइट? टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो मनीष सर का कहना है कि यस, अजय सर का कहना है कि यस, और रुचि मैम ने मुझे एक टर्म दी थी जिसका नाम है मार्केट बास्केट एनालिसिस, वो मैंने आपको बता दी है कि एसोसिएशन को पता करना ही बिजनेस में या मार्केटिंग वाले लोग उसको मार्केट बास्केट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है? तो विकास सर का कहना है कि क्या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है? यस, आई एम कमिंग टू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है? सो अब हम अपने कोड की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल का नाम ही मैंने रख दिया है मार्केट बास्केट ऑप्टिमाइजेशन डॉट सी एस वी। पहली चीज तो ये, ठीक है? इस फाइल में क्या है, ये फाइल थोड़ी सी कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं है जैसा कि हम लोग देखते आ रहे थे। देखिए इस फाइल को क्या है, ये फाइल यूसीआई रिपोजिटरी से ली हुई है, ठीक है? यूसीआई रिपोजिटरी एक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन का एक रिपोजिटरी है जहाँ पे वो काफ़ी सारा डेटा पब्लिश करते हैं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से रिलेटेड चीज़ों। ये जो सी एस वी फाइल है वो बताते हैं कि साहब ये सी एस वी फाइल यूरोप के किसी स्टोर की, रिटेल स्टोर की फाइल है, राइट? बोलो साहब क्या है इस फाइल के अंदर? इस फाइल के अंदर उस रिटेल स्टोर का एक वीक में कितने कस्टमर्स आए और उस एक वीक में जितने भी कस्टमर्स आए उन्होंने क्या क्या खरीदा, उसकी पूरी नॉलेज यहां पे छिपी हुई है। इस फाइल में टोटल जो रोज हैं वो हैं करीबन, लेट मी गो टिल द एंड, आई थिंक द रोज अराउंड 7500, करीबन करीबन 7501 टोटल रिकॉर्ड्स इस डेटा के अंदर हैं, ठीक है?
और हर रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर रो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कस्टमर उस एक वीक के दौरान उस जगह आया, उस रिटेल स्टोर में आया, तो उसने क्या क्या खरीदा, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहला कस्टमर आया उस पूरे वीक के दौरान उसने क्या क्या खरीदा। तो देखो साहब उसने ये खरीदा। अब हम कॉलम वाइज नहीं चल रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। जैसे उसने पहला कस्टमर आया, उसने श्रिम्प खरीदा, आलमंड्स खरीदे, एवोकाडो खरीदे, वेजिटेबल्स, ये समथिंग समथिंग समथिंग। सो देयर इज अ बिग लिस्ट, राइट? सो मेनी यू नो आइटम्स ही परचेज फ्रॉम देयर। सेकंड बंदा आया, उसने बर्गर, मीट बॉल्स, एग। तीसरा आया कुछ चटनी, कुछ यू नो। चौथा आया उसने टर्की, एवोकाडो। तो पांचवा आया उसने मिनरल वाटर, मिल्क, एनर्जी बार, समथिंग। इस तरीके से उसने ये डेटा दिखा रहा है कि पूरे वीक में करीबन 7501 लोग उस स्टोर के ऊपर आए और उन्होंने क्या क्या खरीदा, उसकी पूरी लिस्टिंग या उसकी पूरी डिटेल इस सीएसवी फाइल के अंदर है, राइट? अब हमें इस सीएसवी फाइल से ये पता करना है कि किस आइटम के साथ ज्यादा क्या बिक रहा है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द एसोसिएशंस, हमें एसोसिएशंस पता करने हैं कि आइटम एक्स का किस आइटम वाई के साथ एसोसिएशन है। हमें पता करना है कि बर्गर के साथ क्या बिक रहा है ज्यादा, या फिर हमें यू नो एग के साथ हमें क्या बिक रहा है, कुकीज के साथ क्या बिक रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दोज एसोसिएशंस और उन एसोसिएशन से हम आगे अपने बिजनेस में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग एसोसिएशन? तो रजनी मैम का, विकास सर का कहना है कि यस वी गॉट द प्रॉब्लम। उमा मैम का कहना है यस। अब सवाल ये आता है कि एसोसिएशन पता करने के लिए हम कौन सी एल्गो का इस्तेमाल करेंगे, राइट? सो जैसे कि क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए हम के मींस को या फिर डीबी स्कैन की बात कर रहे थे उसको यूज करते हैं, वैसे ही एसोसिएशन पता करने के लिए हम जिस एल्गो को यूज करेंगे उस एल्गो का नाम है अप्रियोरी। सो अप्रियोरी इज द एल्गोरिथम विच वी आर गोइंग टू यूज for finding out the associations in our data set. So this is the algorithm which we are going to, right? So a priori ek algorithm ka naam hai jiska hum kaam use kar rahe hain, jisko hum log to find out the associations, to find out x and y. और ऐसे x और y बहुत ज्यादा हो सकते हैं, राइट? एक एक केस में बर्गर है, दूसरे केस में कुछ और हो सकता है। ये जो x और y का जो नोटेशन है उसमें x को तो हम लोग कहते हैं बेस आइटम। क्या बोलते हैं इसको? बेस आइटम। और ये जो y है इसको बोलते हैं सपोर्टेड आइटम, ठीक है? So x is called as base item and y is called as supported item, ठीक? अब a priori algorithm association पता करने के लिए तीन different चीजों का या तीन concepts का इस्तेमाल करती है। पहली चीज में जो बता रहा हूं कि a priori algorithm कैसे काम करती है, उसका जो mathematical notation है उसके बारे में थोड़ा सा हम background, मैं पूरा डिस्कस तो नहीं करूंगा उसका, लेकिन मैं तीन बेसिक चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको कि अप्रियोरी एल्गोरिथम एसोसिएशंस पता करने के लिए तीन डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल करती है। पहली चीज कहलाती है सपोर्ट, दूसरी चीज कहलाती है कॉन्फिडेंस, और तीसरी चीज कहलाती है लिफ्ट। So to find out the associations, a priori algorithm uses three different, you know,
kind of measures. First one is known as support, the second one is known as confidence, and the third one is known as the lift. इन तीन चीजों को जानकर ही हमारा एसोसिएशन निकल के आता है. तो हम एक एक करके इन तीनों चीजों को डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग कोड के ऊपर जाएंगे जहां पर इन तीनों चीजों को यूज करते हुए वी विल फाइंड आउट द एसोसिएशंस इन आवर डेटा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज सपोर्ट. सपोर्ट क्या है? तो सपोर्ट को कई बार हम एक इंडिकेटर मानते हैं किसका, पॉपुलैरिटी का. सो सपोर्ट इज द इंडिकेटर ऑफ पॉपुलैरिटी, राइट? व्हाट इज पॉपुलैरिटी? मतलब जो सामान ज्यादा बिकेगा या ज्यादा बिक रहा है वो उतना ही पॉपुलर होगा, और वो उतना ही अगर पॉपुलर है तो उसका सपोर्ट भी उतना ही ज्यादा होगा. हाई सपोर्ट मींस हाई पॉपुलैरिटी, लो सपोर्ट मींस लो पॉपुलैरिटी. अब वो निकलता कैसे है, सपोर्ट कैसे निकालते हैं, उसके लिए लेट मी शो यू वन इमेज. आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं. सो सी दिस इमेज. ये इमेज आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, उस इमेज में क्या लिखा हुआ है कि एक कोई शॉप है, ठीक है? वो शॉप पर 8 आदमी आए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा है. तो पहला आदमी आया, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ट्रांजैक्शन वन. और उसने क्या क्या खरीदा है कि साहब एप्पल खरीदी है, बियर खरीदी है, समथिंग दो आइटम और खरीदे हैं जो मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, राइट? फिर ट्रांजैक्शन टू, मतलब दूसरा बंदा आया, उसने एप्पल खरीदी, बियर खरीदी, फिर साथ में कुछ और भी है, राइस बाउल है समथिंग, राइट? तीसरा बंदा आया, उसने एप्पल बियर खरीदी, चौथा आया, उसने एप्पल और सम फ्रूट खरीदे, फिर पांचवा आदमी आया, फिर छठवां, फिर सातवां. इस तरीके से टोटल 8 लोग आए हैं ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा है. तो एवरी रो रिप्रेजेंट्स वन कस्टमर एंड द करस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन हैपेंड ऑन दैट स्टोर, राइट? अब मुझे पता करना है कि लेट से एक आइटम है एप्पल, उसका सपोर्ट निकालना है मुझे कि व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ एप्पल इन दिस केस. इस डेटा के हिसाब से, फिलहाल इस एग्जाम्पल के हिसाब से, व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ एप्पल, राइट? तो सपोर्ट ऑफ एप्पल को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे सपोर्ट ऑफ एप्पल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सपोर्ट ऑफ द एप्पल निकालते कैसे हैं वो समझिए. यहां पे दो चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, डिवीजन जो नीचे दिखा रहा है 8, वो तो ये दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब उस स्टोर पर कितने लोगों ने खरीदारी की या कितने ट्रांजैक्शंस हुए, मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब बिल कितने जनरेट हुए. तो टोटल तो 8 लोगों ने देखा है, आप 8 ट्रांजैक्शंस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 7, 8, राइट? तो टोटल 8 ट्रांजेक्शन. आउट ऑफ दोज टोटल 8 ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन में एप्पल एक्चुअल में खरीदी गई? तो आपको देखेंगे एप्पल सिर्फ 4 जगह पर खरीदी गई है. टोटल 8 ट्रांजेक्शन है लेकिन सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन में यहां एप्पल दिख रही है, तो यहां पर वो काउंट हो गया. इसका मतलब सपोर्ट कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस विच हैज यू नो दैट आइटम, पर्टिकुलर आइटम जिसमें वो खरीदा गया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. इन दिस केस द सपोर्ट ऑफ द एप्पल कम्स आउट टू बी 4/8. तो इस तरीके से ये एप्पल का सपोर्ट निकला. ऐसे ही अगर मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ बियर, तो इस बियर के केस में कितना होगा, आप देखेंगे कितने ट्रांजेक्शन में बियर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 आइटम्स में जो है बियर है, तो 6 आइटम्स के केस में हमारे पास जो है 6/8 वुड बी सपोर्ट ऑफ व्हाट, सपोर्ट ऑफ बियर. इस तरीके से हमारे पास ये जो है निकल के आया है. तो इस चीज को कहते हैं सपोर्ट. तो सपोर्ट समझ में आ गया. तो इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आइटम ज्यादा बिकेगा तो उसका सपोर्ट ज्यादा आएगा या कम आएगा. ऑब्वियसली जब ज्यादा बिकेगा तो ये काउंट ज्यादा हो जाएगा, और ये काउंट ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. इसका मतलब सपोर्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड और यू नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलैरिटी ऑफ द आइटम. सो जो आइटम ज्यादा बिकेगा उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, और पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी तो सपोर्ट भी ज्यादा होगा. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट, राइट? फिर उसके बाद
दूसरा जो टर्म मैं डिफाइन करने वाला हूं वो टर्म है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉन्फिडेंस को डिफाइन करते हैं कि एक तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि अगर किसी ने आइटम एक्स खरीदा है तो वाई भी खरीदेगा, राइट? व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि अगर किसी ने आइटम एक्स खरीदा है तो वाई भी खरीदेगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द लाइक्लीहुड, राइट? तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन शायद मैंने अपने कोड एक फाइल में भी लिखा है, तो लेट मी शो यू दैट डेफिनेशन। यहां पर देखिए, मैं उसको पढ़ कर, आई विल रीड इट लाउड। सो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? दिस सेज हाउ लाइकली आइटम वाई इज परचेज्ड व्हेन आइटम एक्स इज परचेज्ड। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ऐसे एक्स एरो वाई। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मतलब क्या है? दिस इज मेजर्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस विद आइटम एक्स इन विच आइटम वाई इज ऑल्सो देयर, राइट? इसका मतलब हमें ऐसे ट्रांजेक्शन पता करने चाहिए जिसमें एक्स और वाई दोनों को साथ में खरीदा गया है डिवाइडेड बाई टोटल ट्रांजेक्शन। तो हमारे केस में अगर हमें निकालना है कि वॉट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ एप्पल एंड बियर, मतलब वॉट इज द लाइक्लीहुड कि अगर कोई एप्पल खरीद रहा है तो वो साथ में बियर भी खरीदेगा, अगर वो हमें निकालना है तो उसको कहेंगे कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे निकालेंगे? सो लेट सी, लेट मी शो यू अनदर इमेज। मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूं। एक बार मैं इमेज दिखा रहा हूं, अभी इमेज आई नहीं है मेरी। सो दिस इज माय इमेज, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट इफ समवन बाइज आउट द एक्स ही और सी विल आल्सो बाय आइटम वाई, and how to find out the support in this way, dekhiye. Support of apple and beer together divided by support of apple only, this is the confidence. Is case mein aap nikal sakte hain ki hamara confidence kitna aayega between apple and beer. The support of apple and beer together, iska matlab kitne items mein apple aur beer ko saath mein kharida gaya hai? सिर्फ तीन ही आइटम्स, तीन ही ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें एप्पल और बियर साथ में है, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो 3/8 तो ये वाली वैल्यू हो गई, ऊपर वाली वैल्यू, और सपोर्ट ऑफ एप्पल कितना था? 4/8। तो इसका मतलब कितना आया कॉन्फिडेंस? 3/4 आया इस केस में, राइट? बट कॉन्फिडेंस को जब हम समझते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम बहुत ही एविडेंटली इस केस में दिखाई दे रही है कि कॉन्फिडेंस की वैल्यू उस केस में भी ज्यादा आएगी। समझिए मैं जो कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस की वैल्यू उस केस में भी ज्यादा आएगी जब आइटम वाई अपने आप में खुद पॉपुलर है, राइट? आइटम वाई अपने आप में अगर खुद पॉपुलर हुआ तो वो एक्स पे बिना डिपेंडेंट हुए भी ज्यादा खरीदा जाएगा, उस केस में कॉन्फिडेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। इसका मतलब हाई कॉन्फिडेंस कई बार हमें गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, गलत इंसाइट भी दे सकता है। हाई कॉन्फिडेंस उस वजह से भी ज्यादा आ सकता है जब आइटम वाई अपने आप में खुद पॉपुलर है, और उस केस में क्या होगा, कॉन्फिडेंस की वैल्यू हाई आएगी भले ही वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? इसीलिए इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम एक तीसरा टर्म और यूज करते हैं जिसको कहते हैं लिफ्ट। व्हाट वी कॉल इज लिफ्ट। व्हाट इज द लिफ्ट? लिफ्ट इज सी व्हाट इज द लिफ्ट। तीसरी इमेज देखिए, व्हाट इज द लिफ्ट? लिफ्ट इज
कॉन्फिडेंस डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ आइटम वाई, राइट। उसको कैसे लिखा जा रहा है, देखिए यहां पे लिखा जा रहा है, राइट। इसका मतलब अगर हम कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा ट्वीक कर दें कि हम वाई की पॉपुलैरिटी को उसमें काउंट करने लग जाएं, राइट, तो उस चीज को लिफ्ट कहते हैं। तो आप ये देखेंगे, सपोर्ट ऑफ एप्पल टुगेदर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल सपोर्ट ऑफ एप्पल एंड बियर, राइट। तो एक तरह से ये वाली जो चीज है, ये वाला जो है जहां पे मैं माउस मूव कर रहा हूं, वो देखेंगे वो तो कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या होता था, एप्पल ऑफ सपोर्ट ऑफ एप्पल एंड बियर टुगेदर बट डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ एप्पल, राइट। तो अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रही है आपको, वो एक्स्ट्रा चीज दिख रही है यहाँ डिविजन में, विच इज सपोर्ट ऑफ बियर, राइट। सो इफ यू डिवाइड कॉन्फिडेंस बाय द सपोर्ट ऑफ आइटम वाई, देन इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट। अब लिफ्ट का एक सीधा सीधा फंडामेंटल है, वो ये है कि अगर लिफ्ट ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब एक्स और वाई एक दूसरे से पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर लिफ्ट एग्जैक्टली वन है, इसका मतलब है एक्स और वाई एक दूसरे के न्यूट्रल हैं, और अगर लिफ्ट लेस देन वन है, इसका मतलब है एक्स और वाई एक दूसरे के नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। मतलब क्या है इसका, अगर लिफ्ट एक से ज्यादा है, इसका मतलब वेरी लाइकलीहुड कि अगर कोई एक्स खरीद रहा है तो साथ में वो वाई खरीदेगा ही खरीदेगा, वेरी लाइकलीहुड, राइट। लिफ्ट अगर वन है, तो अगर किसी ने एक्स खरीदा है तो वाई की खरीद पर उसका कोई फर्क नहीं है, न्यूट्रल है, एक दूसरे से एकदम यू नो, खरीदो बढ़ो कम हो ज्यादा हो, देयर इज नो रिलेशनशिप। बट इन केस लिफ्ट इज लेस देन वन, देयर इज अ नेगेटिव एसोसिएशन। इसका मतलब अगर कोई एक्स खरीद रहा है तो ये पक्का है कि वो वाई नहीं खरीदेगा, नेगेटिव एसोसिएशन, अनलाइक, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दू कि कोई एग्जाम्पल ले लें कि सब दो फैकल्टी मेंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। सो दो फैकल्टी मेंबर्स हैं एक कॉलेज से ए एंड बी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। सो ए ने लेट से फॉस्क का ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स ज्वाइन किया है, तो बी ने भी ज्वाइन कर लिया, ये सोच के यार ये ज्वाइन कर लेता है तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि दे हैव अ क्लोज एसोसिएशन टू ईच अदर, राइट। वो आगे दिमाग ही नहीं लगा रहे अपना कि यार क्या सही है क्या गलत है, अगर ए ने ज्वाइन कर लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, दिस इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन, राइट। दूसरा एसोसिएशन क्या हो सकता है, बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ही हैज हिज ओन डिसीजन, राइट। इन दिस केस इट्स अ न्यूट्रल एसोसिएशन। लेकिन अगर बी को मालूम चल गया कि ए ने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो बी तो मरे ज्वाइन नहीं करे, दिस इज नेगेटिव एसोसिएशन, राइट। तो इस तरीके की चीजों को हम एसोसिएशन से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या आपको तीनों चीजें समझ में आई, प्लीज बताएं कि सपोर्ट का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है और लिफ्ट का क्या मतलब है। ये तीनों चीजें, ये तीन ही ऐसी प्राइमरी चीजें हैं जिनको एसोसिएशन की एप्रियोरी एल्गोरिथम यूज करती है टू फाइंड आउट द एसोसिएशंस। और वो एसोसिएशन किस बेस पे पता करती है, वो इस बेस पे पता करती है कि जो आइटम ज्यादा पॉपुलर होगा उसके सब आइटम्स भी ज्यादा पॉपुलर होंगे, राइट। इसका मतलब अगर आइटम एक्स पॉपुलर है और अगर हम उसमें वाई को भी देखते हैं साथ में, तो इसका मतलब एक्स और वाई में एसोसिएशन है। इसका मतलब एसोसिएशन हमेशा उन आइटम्स पे ही निकालनी चाहिए जो एक लेवल के ऊपर पॉपुलर हैं, जो आइटम खुद में ही नहीं बिक रहा, राइट। जो आइटम एक्स खुद में ही पॉपुलर नहीं है, वो दूसरे पे क्या हमको निकाल के देगा कि वाई को खरीदेगा कोई, राइट। हमें तो ऐसा आइटम चाहिए जो अपने आप में पॉपुलर हो और उसकी वजह से दूसरा आइटम भी साथ में खरीदा जाता हो। तो इस तरीके से तीन चीजें हैं, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट, जिनकी वजह से एसोसिएशन पता चलता है। क्या ये आपको चीज क्लियर हुई, प्लीज बताएं एक बार। संजीव सर का कहना है यस।
रजनी मैम का कहना है यस। अब ये तो हमने चलो एप्रियोरी एल्गो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है राइट। अब हम इस चीज को जो है किस तरीके से कोड में यूज करने वाले हैं उसको समझिए राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो होगी सीएसवी फाइल राइट। सो दिस इज अ सीएसवी फाइल वी हैव राइट। इस सीएसवी फाइल का डेटा अब हमें रीड करना है। इस सीएसवी फाइल को रीड करते टाइम पे एक चीज ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जितनी भी सीएसवी फाइल पढ़ी है उनमें पहली जो रो होती थी वो कॉलम के नाम को इंडिकेट करती थी राइट। लेकिन यहां पे तो कॉलम के नाम तो है ही नहीं, यहां तो पहली रो इटसेल्फ डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पहला कस्टमर आया था उसने क्या खरीदा, फिर सेकंड कस्टमर क्या आया था उसने क्या खरीदा था। तो जब हम पांडास का रीड सीएसवी मेथड यूज करेंगे उस टाइम पर हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि देख भाई पहली रो में कॉलम का नाम नहीं है, पहली रो में भी डेटा ही है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी दैट। सो लेट मी क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम माय वेरिएबल यू नो विंडो। सो दिस इज हाउ आई रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम माय विंडो। सो एवरीथिंग इज क्लीन नाउ। सो नाउ सबसे पहले हमने पांडास पे इंपोर्ट किया और पांडास के रीड सीएसवी मेथड को यूज कर रहा हूं जिसमें मैं क्या बता रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि एक तो मेरी फाइल का नाम क्या है, तो वो तो हम लोग हमेशा बताते थे दिस इज माय फाइल नेम एंड दिस इज द लोकेशन राइट। यहां पे एक और पैरामीटर एक्स्ट्रा मैंने यूज किया है जिसमें मैंने क्या लिखा है, हेडर इज इक्वल टू नन। अब आप समझ गए होंगे हेडर इज इक्वल टू नन का मतलब क्या है, मैं उसको इंडिकेट करना चाहता हूं कि पहली रो हेडर नहीं है, पहली रो कॉलम के नाम नहीं है, पहली रो डेटा है इटसेल्फ राइट। इसीलिए मैंने हेडर इज इक्वल टू नन, इसका मतलब मैंने उसको ये बोल दिया है कि मेरी फाइल में कॉलम नेम्स नहीं है राइट। तो इस तरीके से हमने इस डेटा सेट को रीड किया। सो नाउ यू हैव द डेटा सेट, सो यू गॉट द डेटा फ्रेम हियर राइट। लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस। सो डबल क्लिक जब हमने इसको किया सो नाउ दिस वॉज द डेटा राइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पहला आइटम बता रहा है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम सेकंड आइटम बता रहा है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम थर्ड आइटम को बता रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट कस्टमर राइट, सो दिस इज द फर्स्ट कस्टमर एंड सो ऑन राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे उसने बहुत ज्यादा आइटम खरीदा है, तो इन टोटल उसने 19 आइटम्स लिए हैं, टोटल 20 आइटम्स लिए हैं बिकॉज इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने टोटल 20 आइटम खरीदे हैं। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है NAN, दिख रहा है आपको, दिस इज NAN, दिस इज NAN, दिस इज NAN। ये NAN का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए, क्योंकि एक मैट्रिक्स बन गई है। तो जिस बंदे ने सेकंड बंदे ने सिर्फ तीन ही आइटम खरीदे हैं तो उसके बाद की वैल्यूज क्या लिखी जाए, तो एक तरह से वो ब्लैंक होनी चाहिए, बट मशीन लर्निंग में या कई बार जब हम डेटा में इस तरीके से डेटा फ्रेम पढ़ते हैं तो NAN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, मतलब इट्स नॉट ए मीनिंगफुल वैल्यू, इट्स नॉट ए मिस, इसको हम लोग मशीन लर्निंग में कई बार क्या कहते हैं, मिसिंग वैल्यू कहते हैं, वी कॉल इट एज अ मिसिंग वैल्यू राइट। सो मिसिंग वैल्यू की बात हम लोग और बाद में करेंगे, पर फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि जैसे तीसरे बंदे ने सिर्फ चटनी खरीदी है तो बाकी की 19 कॉलम्स में सिर्फ क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, NAN वैल्यूज मिलेंगी, मिसिंग वैल्यूज हैं राइट। इस तरीके का डेटा हमने पढ़ लिया है। काफी कुछ केसेस में हमें मिसिंग वैल्यूज के मिसिंग डेटा को हैंडल करना पड़ता है, मिसिंग वैल्यूज को राइट। तो आपको ध्यान है पांडास में एक मेथड शायद सिल्वेस्टर सर ने आपको बताया होगा जिसमें फिल ना कहते हैं, जिसको फिल ना राइट, हाउ टू फिल मिसिंग वैल्यूज, पर फिलहाल हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग मिसिंग वैल्यूज के साथ ही आगे बढ़ेंगे और उसके हैंडलिंग को हम लोग नहीं देखेंगे, बट उसको हैंडल किया जा सकता है ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं इस डेटा में फीचर और लेबल का तो काम ही नहीं है, एवरीथिंग इज फीचर बिकॉज नाउ वी आर इनटू अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एरिया। अब हम एप्रियोरी एल्गोरिथम को यूज करना चाहते हैं ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि एप्रियोरी एल्गोरिथम फिलहाल scikit-learn के अंदर नहीं है, और हो सकता है नए वर्जन में आ गई हो, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास वर्जन है उसमें scikit-learn नहीं है। तो फिर क्या करें साहब, scikit-learn एल्गो अगर इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो क्या हम खुद की इम्प्लीमेंटेशन करके लिख सकते हैं? यस, हम डेफिनेटली अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं, पर फिलहाल मैंने क्या किया, गूगल से राइट, गूगल से उसका इम्प्लीमेंटेशन डाउनलोड कर लिया है राइट। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे डाउनलोड किया, मैंने गूगल गया और मैंने बोला एप्रियोरी एल्गोरिथम,
तो मुझे एक py फाइल मिल गई वहां पे, apiori.py के नाम से। देखिए मैंने फाइल ओपन करी है और अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे फाइल, किसी जेंटलमैन ने लिखी है जिसका नाम क्या है, यू मोजी जुकी, कुछ कुछ तो नाम है, राइट। सो ही हैज इम्प्लीमेंटेड द apiori एल्गोरिथम हियर। सो दिस इज द कंप्लीट कोड दैट यू कैन सी दैट यू नो हाउ ही हैज इम्प्लीमेंटेड दिस। हम फिलहाल इस इम्प्लीमेंटेशन को यूज करेंगे और इसका एक मेथड है apiori, apiori इस मेथड को यूज करेंगे। ये apiori मेथड जब हम कॉल करेंगे, राइट, तो हमें जो है def का मतलब है एक पाइथन में फंक्शन डिफाइन किया गया है। सो इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है apiori नाम का, और ये जो है कुछ डेटा लेगा, राइट, और डेटा क्या लेगा उसी के बारे में बता रहा है कि एक तो ये लेगा ट्रांजेक्शंस, मतलब वो डेटा जो हमने अभी रिसेंटली pandas.readcsv के थ्रू पढ़ा है वो डेटा चाहिए, क्योंकि बिना डेटा के कैसे एसोसिएशन पता करेगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स, लाइक ये बेसिकली जो टू स्टार हैं वो ये बताते हैं कि आगे के जितने भी आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को कॉल करने में दिए जाएंगे वो एक की वैल्यू पेयर होना चाहिए, की वैल्यू पेयर डिक्शनरी की फॉर्म में होना चाहिए, राइट। सो ये क्या पैरामीटर्स हैं उसकी डिटेल में जब गया अंदर उस फाइल में मैंने पढ़ा, तो देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ। उसने बता रखा है कि मुझे डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए व्हेन यू कॉल इट। सो एक तो इसने दिया था कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं, तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये बता रहा है कि ट्रांजेक्शन्स पास करने हैं, और ट्रांजेक्शन का फॉर्मेट आपने देखा कैसा दिखा रहा है, अ ट्रांजेक्शन इटरेबल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन जब हो तो इस फॉर्मेट में होने चाहिए। उसने ये एग्जाम्पल भी दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, ये कह रहा है कि इसके हिसाब से अगर आपको दो ट्रांजेक्शन दिखाने तो ऐसे दिखाओ, तो एक बड़ी लिस्ट बनाओ पाइथन की, और बड़ी लिस्ट में भी अब छोटी छोटी लिस्ट बनाओ, ये वाली लिस्ट पहले ट्रांजेक्शन को शो कर रही है, ये वाली लिस्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को शो कर रही है, फिर एक और लिस्ट होगी जो तीसरे ट्रांजेक्शन को शो करेगी। इसका मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट बननी चाहिए, पहली चीज तो ये। फिर और क्या क्या पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, वो कह रहा है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मिनिमम सपोर्ट कितना रखूं, ओके हम बता देंगे चलो। फिर वो पूछ रहा है कि एसोसिएशन पता करने के लिए आपको एक और चीज पता बतानी पड़ेगी मुझे, मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना रखूं, ओके चलो ये भी बता देंगे। और फिर वो तीसरी चीज हमसे पूछ रहा है कि मैं मिनिमम लिफ्ट कितना रखूं, राइट। तो ये जो मैक्स लेंथ है उसको फिलहाल मैं यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चार चीजें इसमें पास करने वाला हूँ टू नो द एसोसिएशन इन माई डेटा सेट। वन, आई एम गोइंग टू पास द ट्रांजेक्शन, द डेटा आई हैव, राइट। दूसरी चीज क्या पैरामीटर में, मिनिमम सपोर्ट, आई विल हैव टू स्पेसिफाई कि मुझे मिनिमम सपोर्ट कितना रखना है, आई विल हैव टू स्पेसिफाई कि मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना रखना है, आई विल हैव टू स्पेसिफाई कि मिनिमम लिफ्ट कितनी रखनी है, राइट। तो इस तरीके से ये चार चीजें मैं बताने वाला हूँ वाइल कॉलिंग दिस, राइट। तो ये चीज तो मैंने आपको उसकी इंटरनल्स बता दी है कि इंटरनली उसमें क्या लिखा हुआ है। अब आप देखिए, क्योंकि उस apiori मेथड को मुझे कॉल करना है तो मुझे अपने फाइल में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल कहाँ है मेरी, ये रही। तो देखिए मैंने यहां पर लाइन नंबर 103 पे देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम apiori। तो फ्रॉम apiori का मतलब मेरी फाइल का नाम apiori.py, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे .py नहीं लिखा है, फ्रॉम apiori मेरी फाइल का नाम हो गया। और उस फाइल में से भी कौन सा मेथड इंपोर्ट करना है, मुझे apiori इंपोर्ट करना है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखा। तो ये मेरी फाइल का, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम होता abc.py, तो मुझे वहां पे स्टेटमेंट कैसे लिखना पड़ता, फ्रॉम abc इंपोर्ट apiori, इस तरीके से मुझे वहां पे लिखना पड़ता, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये मेथड इंपोर्ट कर लिया है, लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग। सो इट इज वर्किंग, राइट। अब apiori एल्गोरिथम को कॉल करते हैं, तो कॉल कैसे करते हैं उसके लिए देखिए मैंने इस मेथड का नाम ले ही आया हूं, और उसको मुझे क्या क्या चीजें देनी है, चार चीजें देनी है। एक तो डेटा, तो डेटा दूंगा मैं पहले ट्रांजेक्शन्स, फिर दूसरा मुझे क्या देना है, मिनिमम सपोर्ट, एक वैल्यू मैंने निकाल के दे दी, उसको कैसे निकाली वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। फिर मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना दे दिया है, 25%, बिकॉज कॉन्फिडेंस क्या था आपको मालूम हो तो, व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि इफ समवन वाइज आउट एक्स ही विल और ही और सी विल आल्सो वाई वाई। तो मुझे कैसे आइटम्स चाहिए, ऐसे आइटम्स चाहिए कि अगर 100 बार किसी ने एक्स खरीदा है तो कम से कम 25 बार तो वाई खरीदा ही हो, ऐसे एसोसिएशन चाहिए। कम से उससे ज्यादा हो सकते हैं, पर कम से कम कितना चाहिए थ्रेशोल्ड कि यार 100 बार अगर किसी ने एक्स खरीदा है तो 25 बार कम से कम वाई खरीदा हो, ऐसे एसोसिएशन चाहिए, ठीक है। और लिफ्ट कितना रख दिया है मैंने, 4, क्योंकि आपको मालूम है लिफ्ट एक से ज्यादा रखने का मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन,
और मुझे हाई एसोसिएशन चाहिए, यू नो हाई एसोसिएशन का मतलब मुझे लिफ्ट का काउंट ज्यादा रखना पड़ेगा, यार मुझे ऐसे आइटम चाहिए जिनका लिफ्ट 4 या 4 से ज्यादा हो, तो ये दो पैरामीटर तो मैंने स्पेसिफाई कर दिए कि क्यों रखें ऐसे, राइट मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। दूसरा तीसरा मिनिमम सपोर्ट कैसे निकाला 0.003, ये एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको समझिए आप। हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं इस पूरी सीएसवी फाइल में, 7501, चलिए 7501 है। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पॉपुलैरिटी, राइट। सपोर्ट हमने डिफाइन किया था एप्पल का कि कितने टोटल ट्रांजेक्शन में से कितने ट्रांजेक्शन में एप्पल खरीदी गई एक्चुअल में, तो मुझे एसोसिएशन पॉपुलर आइटम्स के ऊपर ही निकालने हैं, मुझे एसोसिएशन पॉपुलर आइटम्स के ऊपर ही निकालने हैं। और मेरे लिए पॉपुलर आइटम कौन सा आइटम है, वो आइटम जो दिन में कम से कम 3 बार तो बिक रहा हो, भाई टोटल आइटम तो बहुत सारे हैं मेरे पास, राइट, पर कम से कम दिन में 3 बार बिक रहा हो। और ये जो डेटा है सीएसवी फाइल का, वो तो 7 दिन का डेटा, 1 वीक का डेटा, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इट इज द डेटा कलेक्टेड ओवर 1 वीक, राइट, ऑफ कस्टमर विजिट। सो अगर दिन में 3 बार बिक रहा है तो आउट ऑफ टोटल ट्रांजेक्शंस वो 7 दिन में कितनी बार बिका होगा, तो 7 दिन में बिकने के लिए निकालना पड़ेगा मुझे 7 into 3, क्योंकि दिन में अगर 3 बार बिक रहा है तो 7 दिन में 7 into 3 तो 21 times, तो 21 बार वो बिक रहा है। इसका मतलब उस आइटम का सपोर्ट कितना होगा, उस आइटम का सपोर्ट होगा 21 बटा टोटल ट्रांजेक्शन, 21 तो वो ट्रांजेक्शन जिसमें एक्चुअली में उस आइटम को खरीदा गया है, बटा बटा मतलब डिवाइडेड बाई कि टोटल ट्रांजेक्शन वो कितने थे, इतने, राइट। तो इस तरीके से ये चीज निकल के आई 0.0027, ये आया उसका सपोर्ट। इसका मतलब मुझे ऐसे ही आइटम चाहिए जिनका सपोर्ट इतना या इससे ज्यादा हो अपने एसोसिएशन में, मुझे वो आइटम नहीं चाहिए जो दिन में एक ही बार बिक रहा है। दिन में एक बार बिकने का मतलब उसका सपोर्ट कितना हो जाएगा, 1 into 7, राइट, 1 into 7, 7 डिवाइडेड बाई टोटल ट्रांजेक्शन विच इज अगेन 7501। ये आइटम नहीं चाहिए मुझे, मिनिमम सपोर्ट इतना चाहिए हर आइटम का। उन्हीं आइटम्स में, उस आइटम में एसोसिएशन पता करके क्या रखूं जो खुद ही नहीं बिक रहा है, राइट। सो दैट इज द लॉजिक। तो ये इस तरीके से मैंने 3 चीजें स्पेसिफाई कर दी है। सो मिनिमम सपोर्ट मैंने स्पेसिफाई कर दिया, उसको राउंड फिगर कर दिया, आप देखोगे यहाँ पर 0027 है तो मैंने उसको 003 कर दिया है, राइट। मिनिमम कॉन्फिडेंस मैंने 25% रख दिया, मिनिमम लिफ्ट मैंने 4 रख दी। अब मुझे एक और चीज चाहिए इसमें, फाइनली डेटा, डेटा चाहिए मुझे। अब आप देखिए डेटा डॉक्यूमेंटेशन में जाओ अप्रियोरी के में, वहां पे डेटा किस फॉर्मेट में मांगा गया है, लिस्ट ऑफ लिस्ट में, बड़ी लिस्ट बनाओ और उस बड़ी लिस्ट के अंदर हर रो को एक लिस्ट की फॉर्म में दिखाओ। क्या फिलहाल हमारा डेटा उस फॉर्मेट में है, देखें जरा एक बार हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है। हमारा डेटा तो अभी इस फॉर्मेट में है, ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, एंड सो ऑन। ये तो डेटा फ्रेम है, ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट ऑफ लिस्ट नहीं है। मुझे क्या चाहिए कि ये जितने भी आइटम्स हैं एक लिस्ट बने और एक बड़ी लिस्ट में अपेंड हो जाएं, फिर ये जितने भी आइटम्स हैं वो एक लिस्ट में आए और फिर उस बड़ी लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएं, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट नहीं है जो कि डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूं, इसको मुझे थोड़ा सा प्री प्रोसेस करने की जरूरत है, राइट। तो प्री प्रोसेस कैसे करना चाहता हूं, मैं प्री प्रोसेस ऐसे करना चाहता हूं कि मेरा ये जो डेटा है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने देखा यहाँ पे, मैं इन 3 चीजों को लेता हूँ कॉपी, कि मुझे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। मुझे इस फॉर्मेट में, ये तो मेरा डेटा है जो सीएसवी फाइल में लिखा हुआ है, डेटा फ्रेम में आ गया है। इस डेटा से मुझे ट्रांजेक्शन किस फॉर्मेट में चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बिगर लिस्ट, दिस इज माई बिगर लिस्ट। इस बिगर लिस्ट में भी पहली लिस्ट कैसे आएगी, पहली रो को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी लिस्ट दूसरी रो को रिप्रेजेंट करेगी और तीसरी लिस्ट तीसरी रो को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास ये केस हो गया। सो नाउ आई दिस, अब इस लिस्ट में ये जो कैसा डेटा होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ये, सो आई हैव दिस हियर। फिर ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐसे ऐसे लिखे होने चाहिए लिस्ट में, पाइथन की लिस्ट, राइट। सो दिस इज स्ट्रिंग, आपको मालूम है डबल कोट हो चाहे सिंगल कोट हो, पाइथन में एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, राइट। सो दिस इज माय दिस। ऐसे ही दूसरा आइटम कहाँ आएगा, इस वाली लिस्ट में आएगा, तो दूसरा आइटम वुड बी हियर एंड अगेन इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। ये हुआ ऐसे ही, तीसरी रो के आइटम्स कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। सो नाउ यू हैव दिस, ठीक है।
इस तरीके से ये डेटा जो मैंने फिलहाल पढ़ा है वो तो इस फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में चाहिए, और ऐसा ही डेटा जो है ट्रांजैक्शंस नाम के वेरिएबल में मैं डाल दूंगा और इसको मैं पास करूंगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मुझे तो पूरा डेटा जो है ऐसा करना चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं एक लूप लगा सकता हूं। वो लूप क्या करेगा, पहली रो को पढ़ेगा, लिस्ट बनाएगा और बड़ी लिस्ट में अपेंड कर देगा, फिर दूसरी रो को पढ़ेगा, लिस्ट बनाएगा, फिर बड़ी लिस्ट में अपेंड कर देगा, फिर तीसरी रो को पढ़ेगा, फिर से उसको लिस्ट बनाएगा और बड़ी वाली लिस्ट में अपेंड कर देगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं नेस्टेड लूपिंग चल रही है। एक लूप का काम क्या होगा, जो रो को पढ़े, और दूसरे लूप का काम क्या होगा, जो मेरी रो को पढ़ के लिस्ट बना के बड़ी लिस्ट में अपेंड कर दे। तो इस तरीके का जो कोड है आगे वो यही बता रहा है कि मैंने एक बड़ी लिस्ट बनाई है विच इज इनिशियली ब्लैंक ट्रांजेक्शन के नाम से, और अब मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया है, जो सर ने बताया आपको फर्स्ट डे कि ये लूप कितनी कहां से कहां तक चलना चाहिए, इंडेक्स 0 से 7500 तक चलना चाहिए, 7501 बार चलेगा, ये एक्सक्लूडेड रहता है, राइट। तो इस तरीके से रहा, और हर बार हम हर रो को पढ़ पढ़ के अपेंड करते जा रहे हैं अपना डेटा। तो अभी इस तरीके का मैंने पूरा एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया है, आप इसको थोड़ा ऑफलाइन भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को यहाँ पे पढ़ा, राइट, और अब आप देखिए मेरे ट्रांजेक्शन्स बन गए हैं और ट्रांजेक्शन किस फॉर्म में आ गए हैं, देखते हैं एक बार। सो लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस। अब आप देखोगे ये पहली रो है लिस्ट की फॉर्म में, ये दूसरी रो है लिस्ट की फॉर्म में, ये तीसरी, देखो लिस्ट बन गई है, साइन दिख रहा ना यहाँ पे, लिस्ट आ गई है। सो पहले नहीं था डेटा फ्रेम में, आप देखो डेटा फ्रेम में क्या अंतर है, डेटा फ्रेम में तो डेटा एस फॉर्मेट में था, राइट, और ट्रांजेक्शन डेटा है वही, बस फॉर्मेट चेंज हो गया है, राइट, वो लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में है। तो ये पहली लिस्ट, सेकंड लिस्ट, तीसरी लिस्ट, और ये सारी लिस्ट मिलाकर के एक बड़ी लिस्ट बना रही है, एक तरह से टू डायमेंशनल एरे टाइप में, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा अब कंप्लीट फॉर्म में आ गया है, जिस फॉर्म में अप्रियोरी को चाहिए, और अब हम अप्रियोरी को कॉल कर सकते हैं, वो हमें associations निकाल के देगी। So now we are calling the a priori algorithm. We got everything into this object rules, right? इस rule को मैं directly नहीं पढ़ सकता हूँ, आप देखेंगे मैं rules को अगर type कराने की कोशिश करूँ तो उसने एक generator object बना दिया है। generator python का एक concept है जो मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, right? So उस generator को मैंने typecast कर दिया list में, तो मैं I can see everything. So I typecasted into a list. Right, and see this. It is taking some time. ये थोड़ा सा time ले रहा है क्योंकि data थोड़ा सा बड़ा था. So now we got the results. आप देखेंगे यहाँ पे results कितने आए total? 30 आए. इसका मतलब we got 30 associations, right? और मैं यहाँ पे जब result पे double click कर रहा हूँ तो देख लेते हैं, ये बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि लिस्ट ही तो है, आप देखेंगे रिजल्ट्स का टाइप लिस्ट है, तो मैं पढ़ सकता हूं कि तेरे इंडेक्स जीरो पे क्या है। तो आई कैन सी द फर्स्ट एसोसिएशन विद इंडेक्स जीरो, सो आई गॉट दिस एसोसिएशन। सी दिस, पहला एसोसिएशन हमें इंडेक्स जीरो पे मिला है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप फिलहाल यहां पे फोकस कर सकते हैं आइटम्स में क्या क्या दिखाया गया है उसने, चिकन और लाइट क्रीम। इसका मतलब चिकन और लाइट क्रीम एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट एसोसिएशन हम कैसे पता करेंगे, इंडेक्स वन पे मिलेगा हमें नेक्स्ट एसोसिएशन, दिस टाइम वी सी पास्ता एंड एस्कलोप, राइट। नेक्स्ट एसोसिएशन कहाँ पे मिलेगा हमें, इंडेक्स टू पे मिलेगा, दिस टाइम वी सी ऑलिव ऑयल एंड होल व्हीट पास्ता, राइट। यूरोपियन कंट्रीज में ऑलिव ऑयल का काफी यूज होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। इस तरीके से यहाँ पे एंड देन वी सी पास्ता एंड श्रिम्प। इसका मतलब इस तरीके से हम एक एक इंडेक्स से एक एक रिलेशनशिप निकालते जा रहे हैं, और वो हमें बता रहा है कि कौन सा आइटम, उसकी बाकी डिटेल्स भी साथ में छुपी हुई है, इसीलिए उसको रिलेशन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सपोर्ट कितना आइटम्स का, कॉन्फिडेंस कितना है, लिफ्ट कितना है। आप देखेंगे सारे केसेस में लिफ्ट 4 से ज्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कंडीशन ही उसको ये देती थी कि हमें एसोसिएशन में कौन चाहिए जिनका लिफ्ट 4 ये 4 से ज्यादा हो, राइट। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप चेंज करेंगे तो दोबारा से वो नए एसोसिएशन रूल्स आपको निकाल के देगा, बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। तो जो भी आप मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम कॉन्फिडेंस और मिनिमम लिफ्ट स्पेसिफाई करते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है, तो वही चीज यहाँ पर हमारे साथ हुई है। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि एसोसिएशन कैसे निकालते हैं, दिस इज नोन एज
मार्केट बास्केट एनालिसिस और एसोसिएशन या एप्रियरी एल्गोरिथम फ्लिपकार्ट में भी यूज होता है, मिंत्रा में भी यूज होता है, यू नो अमेजोन में भी यूज हो रहा है. ये बेसिक एल्गोरिथम है टू फाइंड आउट द एसोसिएशंस. क्या ये चीज आपको समझ में आई प्लीज मुझे बताएं कि हमने किस तरीके से एसोसिएशंस के कॉन्सेप्ट को समझा, कि सपोर्ट क्या, कॉन्फिडेंस क्या, लिफ्ट क्या, और उन तीन के बेस पर हमने किस तरीके से अप्रियोरी एल्गोरिथम को यूज किया, राइट, और यूज कर किया कैसे. उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ा. कई बार चीजें आपको नहीं पता होती हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन देख करके समझना पड़ता है कि यार उसको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए जिससे कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाएं. तो वो चीज मैंने जाके समझी वहां पे और उसके फॉर्मेट के हिसाब से फिर मैंने अपने डेटा को प्रिपेयर किया. तो डेटा को प्रिपेयर करने के बाद मैंने अपने रूल सेट्स को निकाला. तो प्लीज बताएं आपका एसोसिएशन का या प्रायोरी एल्गोरिथम की जो समझ है वो कैसी रही प्लीज. विकास वर्मा सर का एक सवाल है कि कैन दे प्रोवाइड एल्सो 3 एसोसिएशंस एट ए टाइम. विकास वर्मा सर वो ऐसा कर सकते हैं. आपने देखा होगा apriori.py के डॉक्यूमेंटेशन में एक लिखा हुआ है मैक्सिमम लेंथ, राइट. तो मैक्सिमम लेंथ का मतलब है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको 3 तक की लेंथ, मतलब 3 आइटम भी एक साथ चाहिए या 4 आइटम भी. तो आप अगर आप मैक्स लेंथ 4 लिख देंगे तो वो ऐसे एसोसिएशन भी आपको देने लग जाएगा जहां पे एसोसिएशन में 2 से ज्यादा आइटम भी हो सकते हैं. विकास सर, मनीष सर का कहना है कि गुड बट वी नीड प्रैक्टिस. मनीष सर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. उसके बिना थोड़ा सा क्या होता कि इतना यू नो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है चीजें. बहुत सारा सेशन में इतने सारे टर्म्स, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, इतने सारे यूज केसेस हम लोग बात करते हैं. तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे काफी सारे जब हमारे एकेडमी में बच्चे आते हैं तो उनको मैं बोलता भी हूँ कि देखो सचिन तेंदुलकर भले ही कितना ही टैलेंटेड हो लेकिन प्रैक्टिस तो रोज ही करता था. लता मंगेशकर भले ही कितनी ही अच्छी सिंगर हैं लेकिन वो आज भी प्रैक्टिस करती हैं, ऐसा न्यूज में आता रहता है. तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा, राइट. विकास सर का कहना है इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम व्हाट टाइप ऑफ इनपुट इट एक्सेप्ट्स बिकॉज सम ऑफ देम एक्सेप्ट एरे एंड सम एक्सेप्ट लिस्ट. यस यू आर राइट विकास सर, वो हमें देखना पड़ता है. वी हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट दैट व्हाट दे नीड, राइट. सो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि किसको किस फॉर्मेट में. जैसे आपको देखा होगा हमने पहले दिन प्रेडिक्ट मेथड कॉल किया था तो उसने एरर रेज की थी कि डेटा 2D में चाहिए, 1D में दे रहे हो आप तो, राइट. या स्केलर वैल्यू है ये तो नहीं होना चाहिए. तो फिर हमने उसको रीशेप वगैरह से हैंडल करके और उस फॉर्मेट में इनपुट दिया था जिस फॉर्मेट में उसको एक्चुअली चाहिए था. तो वो प्रोसेस तो करना पड़ता है कई बार हमें. अंजलि मैम समझ में आया, अजय सर, दीपिका मैम, पंकज सर, सरिता पूनिया जी, निधि गौर मैम कह रही हैं यस, प्रीति नरूका मैम है उनका कहना है यस, तो अब हमारे जो नेक्स्ट 2 डेज हैं. अंजलि मैम का कहना है कि सर थोड़ा फ्लो सीक्वेंस देखना पड़ेगा. यस, ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा अंजलि मैम, आप उस सीक्वेंस को थोड़ा सा समझिए. सीक्वेंस समझ में आ जाएगा. मैंने थोड़ा सा उसको स्किप किया था बिकॉज मैं एक्चुअल पॉइंट को डिस्कस करना चाहता था. मैं उसको थोड़ा समझाता तो वो डिस्कशन दूसरा डायरेक्शन में चला जाता, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ब्लैक बॉक्स की तरह निकाल दिया. मैंने उस बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया बट मैंने उसको ये बता दिया कि एंड रिजल्ट किस तरीके का रहने वाला है. That was the case.
अब हम जो कल और परसों, अब मैं दो दिन सेशन लेने वाला हूँ, एक सेशन कल होगा और लास्ट सेशन वेनसडे को होने वाला है. दीज आर द टू ओनली सेशंस वी हैव. कल आई विल स्टार्ट विद द डीप लर्निंग. सो नाउ वी हैव टू एरियाज टू यू नो डिस्कस. एक एरिया है डीप लर्निंग, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? बट डीप लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट चीज है. मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यूज केसेस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज कर सकते हैं, कोड कैसा लिखा जाता है उसका. सो कोड वाला सेक्शन में आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और एक रिकमेंडेशन इंजन वगैरह या डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक्स, ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं जो मुझे डिस्कस करने की जरूरत है आपके साथ. ऑब्वियसली एग्जाम्पल के थ्रू ही, प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू ही डिस्कस होंगे. थ्योरी पे तो जितना जरूरत होती है बस उतना ही हम डिस्कस करते हैं. रिमेनिंग थिंग्स आर ऑन कोडिंग साइड ओनली, राइट? तो ये चीज है आज की. आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने सेशन. सो ओवरऑल सेशन कैसा रहा एक बार उसका फीडबैक आप मुझे बता दें. कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज उसको शेयर करें. संजीव सर का कहना है नाइस सेशन सर. मनीष सर जी हैं नाइस. संजीव मैम कह रही हैं फाइन. कोई सजेशन आपका हो तो वो सजेशन आप जरूर शेयर करें. विकास सर कह रहे हैं गुड सेशन. रजनी मैम कह रही हैं नाइस. वैसे हम नेगेटिव फीडबैक को ज्यादा सिंसियरली लेते हैं. कोई अगर सजेशन होता है इम्प्रूवमेंट का तो उस पर जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो ही एरिया इम्प्रूवमेंट का है. अच्छा अच्छा तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देता है. कुछ चीजें जब लगती हैं कि ये एक फीडबैक क्रिटिकल है, उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं. संजीव सर का कहना है योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर. थैंक यू सर. संजीव सर प्रैक्टिस. एक घंटे के टॉपिक या प्रिपेयर करने के लिए आप मानेंगे नहीं, कम से कम 10-12 सोर्सेस से देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है. किसी भी सेशन का फ्लो तभी अच्छा होता है जब उससे पहले आपने बहुत सारे यू नो सेशन जो है किए हों और प्रैक्टिस की हो. विकास सर परफेक्ट तो नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट, बट यस एजुकेशन का जो भी हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे बच्चों के बीच में, चाहे फैकल्टीज के बीच में, उसको सिंसियरली जरूर लेते हैं. परफेक्ट कहना तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ी चीज हो जाएगी, बट उसको सिंसियरली जरूर लेते हैं. ये हम चाहे बच्चों के साथ कुछ काम करते हों, इनफैक्ट हमारे यहाँ जितने भी इनफैक्ट समर प्रोग्राम्स भी होते हैं उसमें भी जो है बच्चे आते हैं कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, बहुत लाइक यू नो पसीना बहाना पड़ता है. चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं वापस 1 बजे. हिमांशु सर का कहना है कि इनिशिएटिव इज हाईली अप्रिशिएटेड. हिमांशु सर थैंक यू. बीके बीआईटी से आते हैं हिमांशु सर. मुझे सुबह सरिया में मिले थे जब वहां पर गए थे हम. पिलानी, वीके बीआईटी पिलानी से हैं. सो चलिए कल वापस से मिलते हैं. कल फिर से कुछ नई चीजें, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ वापस से डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.